दिल्ली के पास मेरठ पड़ता है, मेरठ से, और मेरठ से यहाँ पर्टिकुलर जो ऑफिसेज है, अभी मुझे उसका अगर मेरा पिन कोड के हिसाब से अगर मुझे उसका एड्रेस मिल जाता तो मैं वहाँ फिजिकली ट्रेनिंग करता जाके। फिजिकली में क्या होता है, कुछ छोटी छोटी बारीकी सी तो चीजों को मना, मिलता है किसने मना किया आपको? सर। मुझे मैंने 2-3 बार मैंने जो है ट्राई कर लिया, 6 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कैसे भी करके मेरी जूम मीटिंग पे, जैसे आप मीटिंग करते हैं, बात हो जाए। सर मेरा नाम तो ले देते हैं लेकिन पूरे 3 घंटे के अंदर कोई मीटिंग नहीं कोई नहीं मेरे बात को होती है बताओ दिक्कत कहाँ आई है। रेज करता चैनल हूँ। पार्टनर आप मेरठ से हो, चैनल पार्टनर कहाँ का मिला है आपको? ऑफिस कहाँ है आपका? चैनल पार्टनर सर मेरे को मिला है दिल्ली का प्रियांशु रंजन सर के यहाँ। तो सर पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो चैनल पार्टनर आपको मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि मेरठ से रोज रोज आना जाना, अगर आप चाहें तो ईस्ट दिल्ली आना इतनी मुश्किल नहीं है वैसे मेरठ से, मतलब मेरे ख्याल से 1 घंटा 1 सवा घंटा लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को वहां नहीं जाना, मेरे को मेरठ ही रहना है, तो उस केस में आप अपने RM रीजनल मैनेजर जो है उनसे एक बार कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको डिटेल शेयर कर देंगे और डिटेल्स के साथ आप अपने ऑफिस में जाके बैठिए और काम करिए, कोई मना नहीं करता सर आपको। एक्चुअली सर गूगल पे मैंने सर्च किया था कि मेरठ में भी एक्चुअली दो जगह लोकेशन दिखाई थी IBC ऑफिस की, ठीक मतलब है ठीक IBC.com के नाम से। बट है लेकिन अभी मुझे अपने जो जोनल मैनेजर, RM मैनेजर, जो भी हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे ये कंफर्म करना है सर, वहां जाके जो हमें सिखाएगा वहां हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा या हमारे चैनल पार्टनर के द्वारा ही सपोर्ट मिलेगा सर या देखो, कुछ। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी वेलकम ऑनबोर्डिंग वाली मेल पे डिटेल्स आई है ना, वही चैनल पार्टनर आपको मैप होता है, क्योंकि अभी मैपिंग चेंज नहीं होती है, जो मैप कर दिया गया है आपके एड्रेस की वजह से वहीं पे आपको जाना चाहिए। मैं कहता हूँ रोज ऑफिस जाना चाहिए, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में बैठिए, वहां पे जो पुराने लोग हैं वो आपको लर्निंग देंगे, वहां पे ट्रेनर्स आते हैं जो आपको काम सिखाते हैं, प्रांशु रंजन के ऑफिस में मैं ही जाता हूँ और वहां पे उन लोगों को सिखाता हूँ, और वहां पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको लर्निंग और अर्निंग में हेल्प करते हैं। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं मेरे को वहां नहीं जाना, तो उस केस में मैं वही बोलूंगा कि अपने रीजनल मैनेजर से आप कनेक्ट करिए एक बार, और कनेक्ट करने के बाद उनसे सॉल्यूशन मांगिए, तो वो आपको शायद हेल्प कर देंगे उस चीज पर। एक्चुअली क्या होता है कि अभी हम में से हम लोग 300 लोग यहाँ जुड़ते हैं पर डे, 300 में से ऑलमोस्ट मैं ये मानता हूँ कि लगभग 200 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पैसे उधार लेके दिए होंगे या पर किसी से EMI मतलब कर्ज लिया होगा या अपनी सेविंग्स को तोड़ा होगा, राइट। अब इस कंडीशन में हम 100-200 किलोमीटर दूर पर डे ट्रेवल करके नहीं आना नहीं और मेरठ जाना से सर 100-200 नहीं है, 50 किलोमीटर है बस। है, मेरे लिए सर लगभग 65 किलोमीटर है मेरे घर से 65 किलोमीटर है, मैं जानता हूँ 65 किलोमीटर आना और 65 किलोमीटर जाना, फिर भी इसमें लगभग 200-250 रुपए का पर डे का खर्चा है, राइट सर। मैं कुछ खाएगा भी इंसान, ऐसा तो है नहीं पूरे दिन भूखा रहेगा। हाँ जी तो मेरे कहने का मतलब सर पीछे भी इतना है सर, जैसे अपने ही पिन कोड के द्वारा जो अपने ही एरिया में कोई सर्विस मिल जाए जहाँ पे मैं देखो, पर डे मेरे जाके ख्याल खर्च कर। से प्रदीप जी मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, एक ही सवाल को 3 बार दोहराने से क्या होगा, 3 लोगों के सवाल मिस हो जाएंगे। मैंने आपको समझाया सर कि अगर आपको नहीं लगता, प्रांशु रंजन बहुत अच्छा चैनल पार्टनर है जो हर IBC को सपोर्ट करता है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे वहां नहीं जाना, एक बार अपने रीजनल मैनेजर से कनेक्ट कर लीजिए। CMS कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रेनिंग आपको दी गई होगी, वहां पे कंप्लेन ट्रेस कर दीजिए, ये 2 काम कर लीजिए, सॉल्यूशन आपको ऑफिस HO से मिल जाएगा, ठीक है ठीक है, थैंक ना? यू सर, थैंक यू, राइट सर, थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच सर। ओके आगे बढ़ते हैं, नम्रता जी ने यहाँ पे हैंड रेज किया है। जी नम्रता जी, कहिए फटाफट से क्या काम है, मैं क्या सवाल है, सॉरी। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये IBC मॉडल लर्निंग और अर्निंग दोनों हैं, हाँ जी तो उसके हिसाब से हमें वीडियोस भी देते हैं लर्निंग जी के लिए, और जी साथ में मींस अर्निंग करना भी हमें इम्पोर्टेंट है सर। तो हमें कौन से ज्यादा कौन सा वीडियो है जो जिन पे हमें फोकस करके स्टडी करना पड़ेगा? पता है कितनी वीडियोस है, पता है कितनी है, मतलब काउंटिंग नहीं है, इतनी है नम्रता जी। यस सर, तो यस मैं यस आपको ये सजेस्ट करूंगा, एज एन IBC जब आप जुड़े हैं हमारे साथ, आपके ना कम्युनिटी आपके अंदर, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी आप में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो BCP LTM के कोर्सेज हो या वो स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज हो। तो मैं जब IBC जुड़ा, अब मेरा मैडम ने बोला मेरा मोटिव है अर्निंग का, तो मैं कहाँ फोकस करूंगा, हाउ टू सेल का एक कोर्स है मेरे पास, मैं उसको देखूंगा, है ना, वीडियो बनाना है यूट्यूब पे डालना है तो वीडियो इन्फ्लुएंसर का कोर्स देखूंगा, मेरे पास व्हाट्सएप मार्केटिंग इंस्टाग्राम मार्केटिंग के कोर्सेज है वो देखूंगा, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत खुद भी R&D करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ अभी जैसे ही NHID खत्म होगी ना, आपका नेक्स्ट वीक में एक अगला कदम की ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर आपको अब बताया जाएगा भैया NHIT हो गई,
एनएचआईटी होने के, चितरंजन जी आ रहा हूँ मैंने देख लिया आपको सर, हाथ नीचे कर लो दर्द हो जाएगा है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है, और ऐसी और बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है जहाँ पे आपकी लर्निंग पे फोकस होगा। जब आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी तो उसको इम्प्लीमेंट करके हम अपनी अर्निंग पे काम करेंगे, ठीक है नम्रता जी? चली गई शायद। चलिए तो चितरंजन जी को अनम्यूट करते हैं। जी सर, चितरंजन जी अनम्यूट करना पड़ेगा। चितरंजन साहू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। ओके, आवाज नहीं आ रही है। प्रमोद जी को अनम्यूट करते हैं। जी प्रमोद जी, चितरंजन जी माइक का कुछ इशू है, चेक कर लीजिए। यस प्रमोद जी, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं ये कह रहा था वो जो आप लोग जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, जो उसमें बताते हैं कि वो सारा पीपीटी जो है वो एनएचआईटी में मिल जाएगा। हाँ, पर वन ऐप में सर जो एनएचआईटी सेशंस करके उसके अंदर तो कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर नहीं है सर। वन ऐप के अंदर जब आप मेन्यू में जाते हैं ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है नॉलेज बैंक करके। तो नॉलेज बैंक में जब आप जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ ये वाली पीपीटीज नहीं, और बहुत सारी प्रेजेंटेशंस, वीडियोस और डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं, जिनको आप कस्टमर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, खुद की लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, और उससे अपना लर्निंग बढ़ा सकते हैं। बेसिकली नॉलेज बैंक के अंदर, नॉलेज बैंक के अंदर मिलेगा सर। अच्छा सर, वो जो गुरुकुल ऐप एक बता रहे हैं सर, उसका मेरे को मोनो या प्रीव्यू कुछ दिखा सकते हैं क्या? मैं गुरुकुल ऐप में एक बार अभी आपको दिखा दूंगा। दैट इज नॉट एन एप्लीकेशन, इट इज बेसिकली अ लिंक जो आपके वेलकम मेल पे आता है, बट उसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि नॉलेज बैंक के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो नॉलेज बैंक में जाइए, वन ऐप के अंदर, वहां सब कुछ मिलेगा। प्रदीप जी अभी जैसे पूछ रहे थे कि भाई मेरे को यूट्यूब देखना है या कैसे देखना है, तो उसके लिए सर वन ऐप के अंदर ही सेल्फ लर्निंग का एक ऑप्शन और है, जहां पे आपको ये सारे वीडियोज भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे कैसे चैनल बनाना है, फेसबुक पे एड्स कैसे रन करने हैं, कैसे मुझे अपना सेल्स का आगे बढ़ाना है, तो ये सारे वीडियोज भी वहां पर है। देखो लर्निंग, सेल्फ लर्निंग जितनी ज्यादा करेंगे उतना आपका फायदा होता जाएगा, और सेल्फ लर्निंग के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी अर्निंग पे फोकस करेंगे। साथ में जो आपके रीजनल ट्रेनिंग हेड है, वो आपकी ट्रेनिंग्स करते रहेंगे तो नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, है ना? जी एब्सोल्युटली सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ओके चितरंजन जी चले गए शायद कहीं, ये रहे हिमांशु जी, कह रहे हैं मैं बोलूंगा। जी हिमांशु जी फटाफट से। हेलो नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे कि क्या बोल रहा था अभी, तो आप ही को पता होगा सर क्या बोल रहे थे आप। हाँ जैसे कि कंसल्ट सारथी है, हाँ। कंसल्ट सारथी जैसे कि बोलते हैं कि फेसबुक से एड आएगी तो उसको लीड जनरेट होगी, तो उसी नंबर पे हम सकते नहीं, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। फेसबुक से ऐड आएगी, लीड आएगी, आपको कंसल्टिंग साथी से जो वीडियो भेजना है उसके लिए आपको एक लीड जनरेट करनी पड़ेगी वन ऐप के ऊपर, और आप किसी भी व्यक्ति की लीड जनरेट कर सकते हैं। वहां पे लीड जनरेशन का एक ऑप्शन आता है। मान लो हिमांशु जी का नंबर मेरे पास में है, तो नाम, नंबर, ईमेल आईडी और एक दो डिटेल्स और डालने के बाद उसको मैं सेव कर देता हूँ, उन्हीं लोगों को मैं कंसल्टिंग साथी से वीडियो भेज सकता हूँ। ओके, ऑफलाइन भी कर सकते हैं आप, खुद ही लीड जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सागर जी। हेलो सर। हाँ जी सर, क्वेश्चन मेरा वीवी जूनियर के ऊपर था। एक्चुअली उसमें सारे बोर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एक्चुअली जो पिच करना चाहता था लाइक प्रिंसिपल या उनको, तो यहाँ पे क्या होता है कि गुजराती मीडियम में किताबें होती है तो जैसे 11th 12th वालों को तो फिर भी इश्यू नहीं आएगा कि हिंदी इंग्लिश में समझ जाएंगे, इंग्लिश में तो इश्यू आएगा, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अभी जैसे वीवी जूनियर डाउनलोड किया, डेमो लिया, तो उसपे मैंने कहीं गुजराती वगैरह में देखा नहीं, तो जो गुजरात बोर्ड की किताबें इसमें अपलोड है तो सर गुजरात बोर्ड अवेलेबल है, लेकिन गुजराती के अंदर आपको किताबें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी ये आई एम नॉट श्योर। तो एक बार आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए और इसके बाद फिर राहुल सर के साथ कनेक्ट कर लेना या अपने आईबीसी मैनेजर के साथ कनेक्ट कर लेना, वो आपको क्लैरिटी दे देंगे एक बार, है ना? क्योंकि मैंने जो डेमो भी लिया उसमें भी उतना पता नहीं, उसमें लिमिटेड। राइट, तो वो एक बार उनके साथ कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा। ओके सर, अभी तो उसी का बाकी व्हाइट लेबलिंग वाला उसका एक क्वेश्चन था, वो तो आज अभी ट्रेनिंग के बाद देखते हैं। राइट सर। ओके सर, थैंक यू। ओके
तो दोस्तों मैं एक बार फटाफट से अपने सेशन की तरफ लेना चाहूंगा। ये जो हैंड रेज है, मैं सवाल एक बार फिर से लूंगा। पहले थोड़ा सा कंटेंट बता देता हूँ, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। मैं आज बेसिकली आपके सवालों के जवाब ही दूंगा जब तक हमारी व्हाइट लेबलिंग की मैम नहीं आ जाती है और वो आपको ट्रेनिंग नहीं दे देती है। तो देखो, केस स्टडी, अभी हम लोगों ने ना कल और परसों Day 4 and Day 5 के अंदर सेल्स कॉल से रिलेटेड आपने ट्रेनिंग करी है, जिसमें आपको 10 स्टेप्स बताए थे। वो 10 स्टेप्स क्या है? सबसे पहला काम होता है कॉल ओपनिंग। देवानंद जी, तो कॉल ओपनिंग के टाइम पे मैं कस्टमर से बात करना शुरू करता हूँ, तो मैं बात करने के बाद ये देखता हूँ कि भाई किस तरीके से मैं कस्टमर को कनेक्टेड कर सकता हूँ। ठीक है सर, मैं विवेक बिंद्रा की टीम से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सुयोग कपूर है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उस वो कॉल ओपनिंग हो गई। उसके बाद हम रैपो बिल्डिंग की बात करते हैं। रैपो बिल्डिंग में हम अपना ट्रस्ट बिल्डअप की बात करते हैं, हम कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर मेरे साथ कनेक्टेड फील करे, ताकि मैं कस्टमर के साथ जो टाइम 5 मिनट 7 मिनट लेना चाहता हूँ, वो टाइम लेकर उसको चीजें बता सकूं। अगर वो नहीं लेगा टाइम, नहीं ट्रस्ट करेगा, तो क्या होगा, 1 मिनट के अंदर कॉल काट देगा। फिर उसके बाद जब वो मान जाता है कि सर क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, तो वो कहता है हाँ, तो फिर मैं प्रोफाइलिंग के ऊपर जाता हूँ, नीड एनालिसिस करता हूँ, और उसके बाद वो प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस के आंसर के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट मैचिंग और बेनिफिट पिचिंग करता हूँ। राइट, ये सारी चीजें करने के बाद फिर जब कस्टमर के कुछ सवाल आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम करते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद क्लोजिंग के ऊपर हम जाते हैं। क्लोजिंग के साथ साथ हम अर्जेंसी क्रिएशन करते हैं। ये हमारा पूरा कॉल फ्लो होता है। और कॉल कट करने के बाद हम कस्टमर को फॉलो अप में डाल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विनोद कुमार जी, सेल पहली कॉल में कभी भी नहीं होती है। कस्टमर के साथ उस सेल को पकाना पड़ता है, कस्टमर को कनेक्टेड फील कराना पड़ता है, कस्टमर के साथ एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप बनानी पड़ती है कि वो आप पे ट्रस्ट करे कि भाई ये व्यक्ति जो मुझे बता रहा है ये सही और सच बता रहा है, और ये एक्चुअल में मेरा पैसा लेके भाग नहीं जाएगा। तो फॉलो अप बहुत जरूरी होता है, और वो फॉलो अप के बाद ही आपका जो सेल है वो पॉजिटिवली क्लोज किया जाता है। अब यहाँ पर ना, ये तो हमारा हो गया प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। केस स्टडी बेसिकली क्या होती है कि भाई हम लोगों ने देखा कि अच्छा इस तरीके का कस्टमर है, तो वो कस्टमर के साथ मैं कैसे डील करूंगा। तो हमारे पास एक किराना स्टोर के मालिक है, उनका खुद का किराना का स्टोर है, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन आई लेट यू नो। तो यहाँ पर ये देखिए, एक किराना स्टोर है, गौतम जी के नाम से ओनर है जिनका किराना स्टोर है। और गौतम जी का जो स्टोर था ना, उनका लॉकडाउन चला अभी पिछले 2 साल, तो 2 साल में लॉकडाउन के अंदर उनका जो बिजनेस था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है। अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो अभी भी उनके पास ना कस्टमर जो है वो कम है। तो पहले तो वो फिर भी उधार पे सामान दे देते थे कि चलो पैसा आ जाएगा, लेकिन अब उन्होंने उधार पे सामान देना बंद कर दिया क्योंकि बहुत पैसे का नुकसान हुआ उनको। तो अब वो क्रेडिट पे सामान भी नहीं देते, तो ग्राहक ग्राहक जो है वो और कम हो गया। तो ये सारी कहानी मुझे कैसे पता चली भंवर जी, ये कहानी मुझे पता चली जब मैं उस कस्टमर के सामने बैठा या फोन पे मैंने बात करी और मैंने उनसे 4 सवाल पूछे कि क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे कस्टमर कम हो रहा है, क्या तुमने देखा ये वो करके। तो ऐसे मुझे ये चीजें पता लगी। अब ये प्रोफाइल हो गई, पता लग गया जी क्या है। आगे बढ़ते, मेरा नेक्स्ट सवाल जो नीड एनालिसिस का होता है, सौरभ जी मैंने पूछा भैया क्या कहाँ जाना चाहते हो, तो वो बोले कि भाई वो मैं अपना धंधा बढ़ाना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल है भाई, सेलिंग का काम है तो मैं यही करना चाहता हूँ, धंधा बढ़ाना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है जी। तो अब डिस्कशन के टाइम पे मैंने उनसे ना कुछ सवाल पूछे। तो क्या सवाल पूछे मैंने, मैंने बोला कि कुछ ऐसे सवाल जिसकी वजह से ना मुझे ये पता चलेगा कि मैं उनको कौन सा प्रोडक्ट दे सकूं, कुछ ऐसे सवाल जिससे मुझे पता लगेगा कि वो क्या चाहते हैं, कितने कितना ग्रो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो वही लिखी हुई है, आप उनसे कौन से ऐसे सवाल पूछेंगे उनकी नीड्स और गोल्स को जानने के लिए, आप उनसे कौन से ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे उनके बिजनेस की प्रॉब्लम को आप जान सके, और आप उनसे कौन से ऐसे सुझाव देंगे जिनसे उनकी प्रोडक्ट मैचिंग सही हो जाए। तो पहला सवाल कि भाई नीड्स और गोल्स जानने के लिए क्या करना है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है? पहला सवाल होगा सर, अगले 1 साल में अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं। तो किराना शॉप है सौरभ जी, तो मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या लगता है कि भैया ये किराना शॉप का जो बिजनेस आज कमा रहे हैं तो कहाँ देखना चाहते हैं, कि कितना जाएगा। फिर जो गोल आपने सेट किया है सर, उस गोल को अचीव करने में, उस गोल तक जाने के लिए परेशानियां क्या क्या आती है या आ सकती हैं,
रोहित कुमार जी, मैं कस्टमर से प्रोफाइलिंग कर रहा हूँ, मैं कस्टमर से सवाल पूछ रहा हूँ ताकि मुझे उसके जवाब मिल जाए और कस्टमर के दिमाग में सवाल घुस जाए कि हाँ यार सही कह रहा है, मैं जाना कहाँ चाहता हूँ और मेरे को दिक्कतें क्या आ रही है। सर आपने जो ये परेशानियां आपको आ रही हैं इनको दूर करने के लिए अभी तक कुछ किया है? तो कस्टमर कह रहा है, मेरा ओनर कह रहा है मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहा डॉकी जी। तो क्या वो कस्टमर नहीं आ रहा तो उसको लाने के लिए आपने कुछ किया, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कुछ किया? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कस्टमर के दिमाग में विक्की जी एक सवाल डाल रहा हूँ कि भैया हाँ यार मैं तो सही कह रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। तो उसको क्या पता चलेगा, उसको राजेंद्र जी पे ट्रस्ट होता जाएगा कि हाँ ये सवाल तो सही कर रहा है, तो कुछ बढ़िया चीज बताएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ऐसे और कौन से सवाल हैं जिनसे मैं उनके गौतम जी से पूछूंगा, तो और कौन से सवाल पूछूंगा। सर आपको क्या लगता है कि धंधा मंदा होने के मुख्य कारण क्या है, क्यों आपके यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे, क्यों आपकी सेल नहीं हो रही? सर आपके इलाके में सबसे ज्यादा चलने वाली ऐसी और दूसरी कौन सी किराने की दुकान है और वो क्यों ज्यादा चलती है? तो अविनाश जी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको पूछ रहा हूँ भाई तुम्हारी दुकान नहीं चल रही है लेकिन और कितनों कोई दुकान होगी आस पड़ोस में जो चल रही होगी, तो वो क्यों चल रही है पता किया? कहेगा नहीं यार मैं तो गल्ले पे बैठा रहता हूँ, कस्टमर आता रहता है, नहीं आता तो मक्खियां उड़ाता रहता हूँ, मैंने चेक ही नहीं करा। एक सवाल और पूछता हूँ मैं, सर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके चलते आपकी दुकान भी वैसे ही चलने लगे जैसे उसकी चल रही है? तो मैं एक चीज पिंटू जी बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि जब ये सवाल मैं पूछता हूँ ना और जब मैं सवाल पूछकर कस्टमर को टाइम देता हूँ आंसर करने के लिए, वो आंसर करने के टाइम पे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि मुझे कस्टमर की सोच पता लगती है और उसके जवाब से मैं प्रोडक्ट मैचिंग कर पाता हूँ, और उसके साथ साथ मैं कस्टमर के दिमाग में ये सवाल डाल देता हूँ कि भाई बात तो सही कर रहा है कि प्रॉब्लम आती है ये तो मुझे पता है लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ये मुझे नहीं पता। तो कौन देगा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन देंगे आप सत्तार शेख जी, सॉल्यूशन देंगे आप संजीव जी। कैसे देंगे? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उनको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना शुरू कर सकते हैं। तो क्या होगा, अभी फिजिकल है तो कस्टमर कम आ रहा है लेकिन ऑनलाइन में तो हर जगह से कस्टमर आएगा, अगर मैं दिल्ली में हूं तो पूरे दिल्ली से कस्टमर आएगा। डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बढ़िया कोर्स आपके पास अवेलेबल है जो आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का एक बहुत बढ़िया कोर्स है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं। कस्टमर उस कोर्स से लर्निंग लेगा, उस कोर्स के अंदर बिजनेस कोच मिलता है जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है, मतलब आपको फोन कर करके, लेवी राकेश सज्जन जी फोन कर करके आपको बोलेगा कि क्या आपने कुछ करा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्या आपने फ्रेमवर्क पूरे करे प्रमोद जी, क्या आपने उन फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करा और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करी। तो इस तरीके से आप उसको सजेस्ट करेंगे और सजेस्ट करके आप उससे इनपुट लेंगे और उसको प्रोडक्ट दे देंगे। तो देखो ट्रेनिंग तो हो गई 5 दिन की, समझ में आ गया, लेकिन अब एक्चुअल में करना क्या है सागर जी, अब एक्चुअल में करना क्या है? तो ये करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोफाइलिंग। जब सवाल पूछता हो ना, तो बलदार जी मैंने दो चीजें बताई, सवाल पूछने से एक तो कस्टमर का दिमाग समझ में आता है कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या करना चाहता है, और दूसरा शिवम जी कस्टमर के दिमाग में ये सवाल डाल दिया जाता है कि भैया अभी तक तुमने कुछ नहीं करा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और अब मैं हिमांशु, मैं सौरभ, मैं नंद किशोर आपकी मदद करने वाला हूं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो जब दिमाग में ये सोच आ जाएगी ना, तो वो आपको ध्यान से सुनेगा और आपके प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड भी होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि भाई ये लड़का मेरे फायदे की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरह एक और केस स्टडी में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास में एक केस स्टडी है जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, अब देखो मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये छोटी छोटी केस स्टडीज, क्योंकि हमें क्या लगता है कि भाई बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े से किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा जहां पे 100-150-200 लोग काम कर रहे हो और वहां पे जाके प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है नंद किशोर जी, आप हर उस छोटे व्यापारी के पास जा सकते हैं, जैसे कि आपके घर के आसपास में किराने की दुकान है, बार्बर बाल काटने वाला बैठा है, कोई हार्डवेयर की दुकान है, कोई ऐसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की दुकान है, किसी भी छोटे व्यापारी, लड्डू बेच रहा है, मिठाई वाला है,
हर व्यापारी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, हर लड्डू बेचने वाले को बीकानेर स्वीट्स बनना है, हर किराने वाली दुकान को डी मार्ट और बिग बाजार बनना है, तो इस तरीके से आप उनको सजेस्ट करके बता सकते हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, अगली बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर है मेरा रमाकांत नाम का, सिक्योरिटी गार्ड है, जिसको विवेक बिंद्रा की वीडियोस देखना बहुत पसंद है और आज से नहीं 3-4 साल से वो ये वीडियोस देख रहा है। महीने की 15,000 रुपए की इनकम है हिमांशु जी, 15,000 रुपए महीने का कमाता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड और सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक की ड्यूटी रहती है। ये मेरी प्रोफाइल मुझे समझ में आ गई, ठीक है, प्रोफाइल समझ में आ गई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि भैया क्या है, कहाँ जाना चाहते हो। कह रहा है यार 15,000 से कुछ होता नहीं है, परिवार वालों को ढंग से खिला पिला नहीं पाते, तो अपने परिवार वालों की खुशहाली के लिए मैं कुछ ऐसा कमाई का साधन ढूंढ रहा हूँ विनोद कुमार जी, जिससे ये 15,000 की जो इनकम है वो बढ़कर 50-60,000 तक हो जाए एटलीस्ट संगीता जी, ताकि मैं अपने घर वालों को खुशहाली दे सकूं। ठीक है जी, गोल समझ में आ गया मुझे। जैसे ही मुझे गोल समझ में आया, मैंने कुछ सवाल पूछने शुरू करे। पहला सवाल, रमाकांत जी आप कितनी इनकम करना चाहते हैं हर महीने अगले 6 महीने में? तो आज गौरव कुमार जी मैं 15,000 की सैलरी कमा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर मैं 15,000 की सैलरी को 50,000-60,000 लेके जाना चाहता हूं। अक्षय जी कितना परसेंटेज आपको लगता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी आज 15,000 की सैलरी 6 महीने के अंदर 60,000 पहुंचा सकता है? मैं एक बार अक्षय जी को अनम्यूट करूंगा। अक्षय जी, जी सर, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या लगता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड, सर एटीएम के बाहर, बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं ना सर बंदूक लेके, उसकी 15,000 की सैलरी है सर, क्या लगता है 6 महीने में वो 60,000 रुपए की सैलरी बना सकता है, अपने आप को 15 से 60 पे लेके जा सकता है? जी सर बिल्कुल ले जा सकते हैं। ले जा सकता है, कैसे सर? हम उसको आईबीसी अप्रोच कर सकते हैं। आईबीसी नहीं, वो तो आईबीसी तो बात नहीं कर रहा ना, मैं नॉर्मली एक आदमी की बात कर रहा हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो 15,000 कमा रहा है, तो वो कैसे जाएगा 6 महीने में 60,000 पे? आईबीसी की बात नहीं कर रहा मैं। 6 महीने में सर, 6 महीने में 60,000 कर लेगा अपनी तनख्वाह? नहीं, मतलब वो सिक्योरिटी का जॉब करते तो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, कितना कर लेगा? 15,000 से 25,000 चला जाएगा, 30,000 चला जाएगा, इससे ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी हो ही नहीं सकती है ना। तो उसको कहीं ना कहीं मुझे क्या पूछना पड़ेगा, सर इस इनकम को पहुंचाने के लिए 6 महीने में आप कह रहे हो कि मुझे 60-70,000 तक पहुंचना है, थैंक यू वेरी मच अक्षय जी आपके सपोर्ट के लिए। तो अगला सवाल मेरा है कि भैया इस इनकम तक पहुंचने के लिए आज सबसे बड़ी 3 ऐसी चीजें जो आपको रोक रही हैं। तो निखिल जी मेरे सवालों का स्ट्रक्चर देखिएगा, ये सवाल एक्चुअली सामने वाले को सोचने पे मजबूर करते हैं कि भैया मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और वहां जाने से मुझे क्या चीजें रोक रही हैं। अगला सवाल मैं पूछूंगा कि सर यह इनकम के लिए अभी तक आपने कुछ सोचा है, कुछ किया है, क्या करेंगे ऐसा सोचा, नहीं सोचा? तो संगीता जी मैंने उसको ये भी बता दिया कि भैया तुम जाना तो चाहते हो बहुत दूर, लेकिन तुमने जाने के लिए चलना चालू नहीं किया अभी तक, तो चलना चालू करने के लिए कौन मदद करेगा? मैं। सर आपने विवेक सर की कौन सी लास्ट वीडियो देखी थी और उस वीडियो से आपने कोई लर्निंग ली, उस लर्निंग को कहीं इंप्लीमेंट करा? तो मैंने वीडियो तो देख ली, वीडियो से मुझे सीखने को मिल गया, लेकिन क्या वो जो सीख आपने ली उसको कहीं इंप्लीमेंट करा? ये सारे सवाल पूछने के बाद मैं कस्टमर को बताऊंगा कि सर आप एक इमोशनल टच स्थापित करेंगे उस कस्टमर के साथ और उसे आईबीसी मॉडल पिच करेंगे जैसे अक्षय जी ने बोला, क्योंकि 15,000 की सैलरी को 60-70,000 रुपए कोई एक सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं जा सकता, लेकिन वही सिक्योरिटी गार्ड आईबीसी मॉडल ज्वाइन करके अपनी अर्निंग 60-70-80-1 लाख रुपए तक भी लेके जा सकता है अगर वो फोकस्ड वे में आईबीसी मॉडल पे काम करता है। तो शुभम जी मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति 10,000-15,000-20,000 से ऊपर की तनख्वाह नहीं उठा सकता, वो व्यक्ति आईबीसी मॉडल में 1-1.5 लाख-1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से काम कर सकता है अगर वो फोकस्ड वे में आईबीसी मॉडल पे काम करे। तो अब काम करना क्या है, काम यही करना है क्या कि हर कस्टमर से जुड़ना है, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप पे काम करना है और रिलेशनशिप बिल्डअप के बाद उसको समझना है कि भैया क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, वहां वो जो करना चाहते हो या जहां पहुंचना चाहते हो वहां तक जाने के लिए दिक्कत तकलीफ है क्या आ रही है। दो चीजों पे फोकस करना है विजय कुमार जी, दो चीजों पे। पहला, कस्टमर को दिक्कत क्या आ रही है, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रहा है, और दूसरा अगर कोई दिक्कत नहीं है
तो जाना कहाँ है, वो जो गोल है वो आपको पता करना है। ये या तो प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो गोल होगा। इन दोनों के अकॉर्डिंग, इन दोनों में से एक चीज के अकॉर्डिंग आप कस्टमर को प्रोडक्ट पिच करेंगे। वो प्रोडक्ट बिजनेस का ब्रह्मास्त्र भी हो सकता है, LTM हो सकता है, BCP हो सकता है, वाइट लेबलिंग हो सकता है, IBC हो सकता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं, वैल्यू पैक्स अवेलेबल हैं जो आप कस्टमर को पिच कर सकते हैं। लेकिन प्रमोद कुमार जी, एक बात का ध्यान रखना कि आप ना IBC नहीं है। कौन है आप? आप हैं डॉक्टर। कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपसे आपकी तकलीफें पूछता है। आपने भी पहले कस्टमर को पेशेंट की तरह समझ के उससे उसकी तकलीफें पूछनी, और तकलीफें पूछने के बाद उसको सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन देने के लिए कभी किसी डॉक्टर ने आपको पूछा कि भैया ये वाली गोली खाओगे कि ये वाली गोली खाओगे? कोई डॉक्टर पूछता है ऐसा? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं पूछता। वो सीधा आपकी तकलीफ समझकर एक प्रिस्क्रिप्शन में 3-4 गोलियां लिखता है और कहता है ये गोली खा लो, 5 दिन तक आप ठीक हो जाओगे। तो आपने भी ऐसे ही खुद डिसाइड करना है भूपेंद्र जी कि मैं उसे BCP देना चाहता हूँ, LTM देना चाहता हूँ या IBC देना चाहता हूँ। और वो एक प्रोडक्ट जो आप डिसाइड करेंगे वो अपने कस्टमर को पिच करना है, उसके बेनिफिट्स बताने और उसको लेने के लिए कन्विंस करना है। क्या होगा जसराम जी, अगर मैं कस्टमर को एक से ज्यादा प्रोडक्ट बता दूंगा तो वो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, तो जो वो लेने वाला था वो भी नहीं लेगा और दूसरा तो उसे वैसे ही नहीं लेना था, तो वो फिर बोलेगा अच्छा चलो सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, लंबा खींचेगा, लंबा जाएगा और फिर हमारी सेल क्लोज होने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए एज अ डॉक्टर आपका ये काम है कि एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है और वही पिच करना है और दूसरा कुछ उसको नहीं बताना है, ठीक है? तो इस तरीके की और भी बहुत सारी केस स्टडीज हमारे पास में वन ऐप के अंदर नॉलेज बैंक में अवेलेबल है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप इस ट्रेनिंग से फ्री होते हैं, कल संडे है, थोड़ा सा टाइम लगाइएगा नॉलेज बैंक के ऊपर। बहुत सारे क्रिएटिव्स और बहुत सारे वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रमोद जी ने बोला, मैंने आपको बताया, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस भी वहां पर अवेलेबल हैं जो आप डाउनलोड करके उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और आशीष जी, कोई भी व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं होता कि भाई पहली बार में पढ़ के समझ ले, तो कंफ्यूजन भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं और डाउट भी आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस और डाउट्स आपको आएंगे उनको नोट कर लीजिएगा और परसों अपने रीजनल ट्रेनिंग हेड के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा और उनसे अपने सवालों के जवाब ले लीजिएगा, या अपने IBC मैनेजर के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा और उनसे अपने सवालों के जवाब ले लीजिएगा। सपोर्ट की कोई कमी नहीं है, ये आपको IBC बनने से पहले भी बताया गया होगा और IBC बनने के बाद इस ट्रेनिंग में भी बताया गया होगा। वो पूरा सपोर्ट हिमांशु जी आपको मिलेगा, चैनल पार्टनर, IBC मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, रीजनल ट्रेनिंग हेड, जोनल ट्रेनिंग हेड, आपका लर्निंग सारथी, कंसल्टिंग सारथी, सर्विस सारथी, ये सब लोग और इनसे भी और लोग ज्यादा आपके साथ अवेलेबल है हमेशा। मैं कहता हूं कभी भी हितेंद्र जी आपको कोई सवाल होता है ना, बिना डरे फटाफट से वन ऐप खोलो और वन ऐप में नीचे की तरफ लर्निंग सारथी का एक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं सुयोग कपूर, रीजनल ट्रेनिंग हेड, एक साथ 250-300 लोगों को ट्रेन करता हूं इसी तरीके से जूम पे, या जब हम फिजिकली जाते हैं वहां पे भी 50-100-150 लोग होते हैं जिनको हम ट्रेनिंग करते हैं। लर्निंग सारथी आपके लिए इकलौता ट्रेनर अवेलेबल है जो वन ऑन वन की ट्रेनिंग करता है। मैं क्या करता हूँ, वन टू मेनी, मतलब एक आदमी बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहा है, लर्निंग सारथी वन ऑन वन की ट्रेनिंग करता है। मोहम्मद इमरान जी, आपको कोई भी सवाल होता है लर्निंग सारथी के साथ चैट करिए, सवाल पूछिए, उनसे कनेक्ट करिए और कनेक्ट करके अपने सवालों का सॉल्यूशन ले लीजिए। लर्निंग सारथी को अगर लगता है कि उसको सॉल्यूशन आंसर फोन पे करना है तो वो आपको कॉल भी करते हैं फोन पे जवाब देने के लिए। लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी, कोई पूछता हुआ नहीं आएगा कि भाई कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। वो एक रीजनल ट्रेनिंग ऐड कर लेता है, लेकिन अगर कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी है तो उठकर आपको जाना पड़ेगा अपना सपोर्ट और सजेशन लेने के लिए। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आई होप आपको समझा पाया कि क्या करना है हमने। तो ब्रह्मानंद जाट, बहुत ही बढ़िया नाम है मैडम आपका, ब्रह्मानंद, वाह। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखो IBC तो हम जुड़े, तो
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतने सारे जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ लर्निंग के लिए जुड़े हैं, मेरा पर्सपेक्टिव अर्निंग का है इसलिए हम आईबीसी बने अमित चौबे जी, लेकिन पैसा कमाने के लिए ना पहले चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई शुरू के 10 15 दिन 20 दिन लगे तो एक महीना भी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन बनाओ चंद्र प्रकाश जी, प्रोडक्ट की जानकारी लो, कैसे बात करनी है, अपनी स्क्रिप्ट बनाओ, कौन से सवाल पूछने हैं वो सवाल लिख कर रखो, क्योंकि ये जो लिखी हुई चीज है ना यही आपको कस्टमर से बात करने के टाइम पे काम आएगी। तो मुझे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, खुद के ऊपर ऐसे एकदम से रेडी होना पड़ेगा, तैयार व्यार होके, और उसके बाद फिर हम काम करना शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं आपको करना, आप आज से काम करना शुरू कर दो, लेकिन होगा ये कि काम करने के टाइम पे अगर मुझे काम अच्छे से नहीं आएगा तो काम खराब होएगा, और काम खराब होने से लीड खराब हो जाएगी। विक्की राज जो मेरा एक कस्टमर बन सकता था, आईबीसी ले सकता था, क्योंकि मुझे आता नहीं था बात करना, मैंने विक्की राज से बात करी, मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाया और विक्की राज ने मुझसे आईबीसी बनने से मना कर दिया। अच्छा खासा एक व्यक्ति जिसको मैं आईबीसी जोड़ सकता था अगर मैं उससे एक महीने बाद बात करता, लेकिन क्योंकि मैंने आज ही बात कर ली और मुझे बात कर आंसर देना नहीं आया तो वो मुझसे दूर हो गया। भोला राजन जी सिर्फ एक चीज पे काम करना है। भोला राजन जी को अनम्यूट करते हैं, भोला राजन जी हैंग हो गए। चलो रमन कुमार जी दिख रहे हैं यहाँ पे, रमन कुमार जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या मैंने क्या बोला, एक चीज पे काम करना है, कौन सी एक चीज है सर? वो हमें नॉलेज फर्स्ट पहले गेन करनी है। वेरी गुड, तो सबसे पहला काम मेरा है नॉलेज गेन करने का, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, चाहे वो वर्किंग नॉलेज हो, चाहे वो कोई भी लर्निंग हो, और लर्निंग का काम मेरा सबसे पहला है, क्योंकि जब तक कन्विक्शन नहीं आएगी, जब तक भरोसा नहीं आएगा कि हाँ ये चीज बढ़िया है और सामने वाले को सपोर्ट करेगी, अच्छा अच्छा सॉल्यूशन देगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे अपना कन्विक्शन बढ़ाना है। अच्छा ठीक है, रमन कुमार जी को म्यूट करते हैं। मेरे पास यहाँ पर और कौन व्यक्ति हैं जो नजर आ रहे हैं मुझे, निखिल गजबिये, बहुत बढ़िया सर, डिफरेंट सर ने, बहुत डिफरेंट है सर। प्रोडक्ट नॉलेज हो गई, अब उसके बाद आगे क्या करना है? हो गई प्रोडक्ट नॉलेज, एक महीना लगा लिया लर्निंग में, अब आगे क्या करना है? अर्निंग का करना है सर। है क्या करना है? अपनी नॉलेज, अपनी नॉलेज ले लेंगे तो बाद में अर्निंग के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अर्निंग के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले नॉलेज लेना पड़ेगा। ले लिया वो तो रमन जी ने दिला दिया ना, तो मैंने नॉलेज ले ली पूरी। अब नॉलेज लेने के बाद अगला स्टेप क्या है मेरा? अर्निंग का। हाँ तो अर्निंग के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा सर। जो अपन क्या पत्थर तोड़ेंगे जाके? नहीं, जो अपन ने सीखे हाँ, जो सीखे, जो मतलब डिजिटल जो, हाँ क्या करेंगे आगे? अर्निंग करनी है भाई, मुझे बताए मेरे को 5 लाख रुपए कमाने, लेकिन कैसे कमाने नहीं पता। अरे करना क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज ले ली, अब आगे क्या? प्रोडक्ट ही बेचे आपने। अच्छा चलो ठीक है, मैं निखिल जी को म्यूट करता हूँ। अवंतिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। अच्छा चले गए, चलो कोई नहीं। रॉकी प्रजापति जी को अनम्यूट करते हैं। जी रॉकी जी क्या करना है सर प्रोडक्ट नॉलेज लेने के बाद? प्रोडक्ट नॉलेज लेने के बाद सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर डिजिटल सोशल साइट पे अपने को अपलोड करना पड़ेगा, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, है ना? तो लर्निंग लेने के बाद, हाँ लर्निंग लेने के बाद मेरे को दूसरा काम करना है, वो है लीड जनरेशन का। लीड जनरेशन का कि भैया देखो प्रोडक्ट की जानकारी ले ली, प्रोडक्ट समझ लिया, कैसे बेचना है ये भी समझ लिया, हाउ टू सेल भी समझ लिया, लेकिन अब उसके बाद आगे क्या? तो आगे जाके लोगों से बात करनी पड़ेगी। लोग कहाँ से लाएंगे? तो लोग लीड्स के नाम पर आएंगे, और वो जब मेरे साथ जुड़े, हाँ तो जरूर आपके जो ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, आपके जो लोकल लोग आपको मिलते हैं फिजिकली ऑफिस में, पार्क में, चाय की थेड़ी पे, दिन भर में चलते फिरते कहीं पे आपको लोग मिलते हैं। रॉकी जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, पीछे शोर आ रहा है। तो इन लोगों से मुझे लीड जनरेशन करनी है। अब लीड जनरेशन हो गई जी, बहुत सारे 100 लीड्स आ गई मेरे पास में। महेंद्र सिंह जी अब लीड्स आ गई, तो अब क्या करना है उन लीड्स का? लीड्स मतलब मेरे पास 100 नंबर आ गए फोन नंबर, अब क्या करना है? फोन नंबर आ गए तो बात करनी है। किससे? कन्विंस।
नहीं कन्विंस नहीं करना, किससे बात करनी है, जिसका नंबर आया उनसे है ना। हाँ, जो नंबर आए उनसे तो कस्टमर लीड से बात करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो महेंद्र जी मुझे बताओ, लीड से बात करने के टाइम पे वो एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? गोल जानना है। अच्छा, गोल जानना है और उनकी प्रॉब्लम्स जाननी है। ठीक है महेंद्र जी, उन उसके अकॉर्डिंग उनको देना है। समझ गया, ठीक है। ये थोड़ा मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, सवाल का जवाब मुझे सही नहीं लगा। नंद किशोर जी सर हिला रहे थे, कह रहे नहीं गलत है। क्या सही जवाब है सर? नंद किशोर जी, क्या ऐसा एक चीज जो आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है हर कस्टमर से बात करते हुए? हाँ सर, सेलर बन के काम नहीं करने का, एज अ कंसल्टेंट बन के काम करने का। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करने के लिए कि मुझे सेलर नहीं बनना है, मुझे कंसल्टेंट बन के काम करना है। सेलर नहीं बनना है, कंसल्टेंट बन के काम करना है। अनुभव जी की स्माइल बहुत बढ़िया है, एक हाथ स्टैंड लगा के रखा हुआ है। तो सर मुझे बताइए, अब सेलर नहीं बनना है, कंसल्टेंट बनना है, तो वो एक चीज जो पूरी कॉल पे मुझे ध्यान रखनी है कस्टमर से बात करते हुए वो क्या है? अच्छा चलो ठीक है, पर प्रोफाइलिंग तो चलो वन स्टेप हो गया, बट पूरी कॉल के दौरान ना मेरे को एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो कस्टमर को बहुत बढ़िया सर, मतलब मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ट्रेनिंग हमने अच्छे से अटेंड करी है, तो 80-20 रूल हमें फॉलो करना है। कस्टमर को हमें सुनना ज्यादा है और उससे पूछने हैं सवाल। सोम कुमार जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी सोम कुमार जी, क्या कहते हैं आप, क्या करना है सबसे इम्पोर्टेंट? बात ऐसी है कि जैसे कि सर जब से कॉल वगैरह आती है, लीड जनरेट हो जाती है, तो ध्यान में ये रखना है कि फोन ना कट हो, उससे रिलेटिव बनाए रखें, उससे मतलब उससे कनेक्ट रहे जब तक कि आप उसको क्लोज ना। बहुत बढ़िया, एक बार सोम कुमार जी के लिए ताली बजा दो, बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने। हमें हर कस्टमर से बात करते हुए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है और वो ये कि मुझे कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहना है, मुझे कस्टमर के साथ एक बॉन्ड बनाना है, कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप पे काम करना है। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया सेल्समैन की तरह कभी भी बात नहीं करना कि प्रोडक्ट 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 और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है से कोई फायदा नहीं होता, कोई आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आज की डेट में दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे बात करने वाले। हमने बात करनी है रिलेशनशिप बिल्डिंग पे, हमने बात करनी है कि कस्टमर मेरे से प्रोडक्ट नहीं भी लेता, मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि हर 150 करोड़ की आबादी है इंडिया के अंदर हर कस्टमर, हर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि मेरा कस्टमर बने विनीता जी, लेकिन मुझे उस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप ऐसा बनाना है कि आज नहीं कल नहीं 2 महीने बाद 6 महीने बाद या साल भर बाद भी अगर वो आईबीसी जुड़ने का सोचता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम आना चाहिए, वो कौन है? वो हूं मैं। मैं मतलब सुयोग कपूर नहीं, मैं मतलब आप, वो है आपका नाम, उसको वो याद आना चाहिए। अरे यार भूपेंद्र सिंह का पिछले साल 2021 में फोन आया था, चलो पता करते हैं उससे। अब इसको उसको याद कैसे रहेगा भूपेंद्र सिंह का नाम, क्योंकि भूपेंद्र सिंह ने ना, चलो आज पैसा नहीं था, भूपेंद्र सिंह ने ना उनके साथ फॉलोअप बनाए रखा, हर हफ्ते एक मैसेज डाल देते थे और सर कैसे हैं आप, याद आया मैं भूपेंद्र सिंह आईबीसी बड़ा बिजनेस से आपसे बात हुई थी, एक वीडियो भेज दिया आईबीसी से रिलेटेड, एक एक क्रिएटिव भेज दिया बीसीपी से रिलेटेड, मतलब जो भी उसको प्रोडक्ट देना है उसी से रिलेटेड बात करेंगे, ऐसा नहीं कि कभी बीसीपी कभी एलटीएम कभी बी जूनियर, वही एक प्रोडक्ट से रिलेटेड उसे क्रिएटिव भेजेंगे, उसको मैसेज भेजेंगे, उससे कनेक्टेड रहेंगे। परेशान नहीं करना, सर पे चढ़ के नहीं बैठना, इरिटेट नहीं करना कि वो तुम्हारा फोन उठाना बंद कर दे और मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दे, लेकिन कनेक्टेड रहना है कि वो याद रखे कि कौन है शिवम, कौन है सोम और कौन है निर्मल। तो मैं क्यों रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, लोग ना यहाँ पे सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिर क्या करते हैं दुर्बदल जी, जाके भाई ले लीजिए ना सर, सर ले लीजिए ना प्लीज, ऐसे करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, आप सेल्समैन नहीं है, कस्टमर का प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि वो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट से हो सकता है। ये कस्टमर को समझाना है, वैल्यू क्रिएशन की बात करनी है कि भैया प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो आपकी दिक्कत परेशानी डेफिनेटली दूर करेगा, लेकिन क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, उसको देखना है, सीखना है, समझना और इम्प्लीमेंट करना है। अनुभव जी
12th स्टैंडर्ड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाई करी होगी, करी थी मैथ्स के अंदर, है ना? मेरे ख्याल से 12th करे हुए 10 साल तो हो गए होंगे आपको, है ना? शक्ल देख के उम्र इतनी तो लग रही है 10 साल हो गए होंगे, नहीं हुए? 8 साल हुए, 5 साल हुए, 5 साल हुए, है ना? तो 5 साल की अपनी लाइफ में वो जो बड़े छोटे हो यार तुम तो, मूछे ऊंचे रख के बड़े दिख रहे हो, तो 5 साल की उम्र में वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहाँ काम आया? आया कहीं काम? आया ना? नहीं आया वो परमिट, इनको पता ही नहीं, याद नहीं इनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, इसलिए क्योंकि काम ही नहीं आया। तो 5 साल में जब काम नहीं आया था, लेकिन ये जो लर्निंग आप लेंगे उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तब जाके आपको उसका फायदा मिलेगा। और ये चीज आपने कस्टमर को समझानी है जैसे कि आपको मैं समझा रहा हूं। रजनीश जी गलत तो नहीं कह रहा मैं, सही कह रहा हूं सर, है ना? तो मैंने बचपन में ऐसी बहुत सारी चीजें स्कूल में पढ़ी, कॉलेज में मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन उनमें से मेरे ख्याल से 10% चीजें होंगी जो मुझे आज लाइफ में काम आ रही हैं, बाकी 90% मैंने सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करी थी। लेकिन ये जो लर्निंग्स आपको मिल रही हैं, ये कौन दे रहा है आपको? अमूल का नाम सुना है? उमेश जी अमूल का नाम सुना है ना? मक्खन सब खाते हैं। क्या था वो? आज से कुछ साल पहले एक डेयरी खोली गई थी अमूल के नाम से, एक किसी शहर में जाके डेयरी खोली गई थी, जिसको 1 से 2, 2 से 10, 10 से 200, 200 से 1000 करा गया। और उसके बाद आज की डेट में वो बिजनेस सिर्फ बड़ा ही नहीं है, वो बिजनेस एक ब्रांड बन गया है। आज की डेट में बटर मतलब आपको सिर्फ अमूल ही याद आता है, दूसरा बटर सोचने में आपको 2 सेकेंड का टाइम लग जाता है। अगर मैं आज आपसे टूथपेस्ट की बात करूं तो कोलगेट का ही नाम याद आएगा, दूसरा टूथपेस्ट सोचने में या आप जो यूज करते हैं शायद उसका नाम याद आ जाए, बट टाइम लग जाता है। ब्रांड बनाने के लिए ना मुझे इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, और कस्टमर को सेलिंग करने के लिए मुझे उसको ये चीज समझानी पड़ेगी, और वो समझेगा तब जब वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहेगा कि हाँ यही वो व्यक्ति है जो मुझे फायदा करा सकता है, और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे साथ ऐसा कुछ अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आज केस स्टडीज के माध्यम से और पिछले 5 दिन की लर्निंग्स में, वो यही चीज है। तो अभी हमारे पास कुछ और मिनट हैं, जब तक स्वाति जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं व्हाइट लेबलिंग की ट्रेनिंग करने के लिए, हम और कुछ सवाल ले लेते हैं। तो मैं एक बार आप सभी के डिजिटल हैंड लोअर कर रहा हूं, जो भी सवाल है वो आप अपने डिजिटल हैंड रेज दोबारा से कर लीजिए, तो मैं आपके सवाल ले लूंगा। भूपेंद्र जी को अनम्यूट करते हैं। जी भूपेंद्र जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर कुछ लोग मुझसे बीबी जूनियर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा उन्हें कैसे सेल करना है। हाँ, तो बीबी जूनियर की ट्रेनिंग सर आपको डे वन NHIT में बता दिया गया होगा, और बीबी जूनियर के प्रोडक्ट के बारे में आपको डे वन के अंदर क्लैरिटी दी गई होगी। इसके अलावा जब आपके रीजनल ट्रेनिंग्स होंगी ना, आपके ग्रुप में लिंक्स आएंगे, तो बीबी जूनियर की काफी सारी ट्रेनिंग्स अभी आपके ट्रेनर्स कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं और बाकी ट्रेनर्स भी कर रहे हैं, तो उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। बीबी जूनियर एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो आप स्कूल के बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में जानकारी लीजिए और उसके बाद फिर पिचिंग चालू करिए, ठीक है? तो वो आपको रीजनल ट्रेनिंग्स में मिलेगी, राइट सर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में अगले सौमेन बख्शी जी नजर आ रहे हैं। जी सौमेन जी कहिए। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली अभी जो आईबीसी के लिए जो टारगेट्स दिया गया है सुनील सर का, इसमें कि एक आईबीसी बनाने पे टीएमसी क्वालिफाई कर सकते हैं सर, तो इसमें क्या ऑफर है? वो ये ऑफर है कि भैया आपको ये करना है कि क्योंकि सुनील सर का ना बर्थडे था कल, तो सुनील सर का बर्थडे था, तो हमने क्या करा, हमने एक ऑफर निकाल दिया सुनील सर के बर्थडे के नाम पे, जिसमें अगर आप 24 से 26 में एक भी आईबीसी बना लेते हैं, मतलब आप किसी व्यक्ति को एज एन आईबीसी जोड़ लेते हैं, तो उस केस में आप टीएमसी में आने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अक्षय जी मैं आपको बता दूं, टीएमसी है द मिलेनियम क्लब, हमारे पास ना हायरार्की है, तो जब कोई व्यक्ति आईबीसी बनता है उसके बाद उसका अपग्रेड होता है टीएमसी में, फिर उसका अपग्रेड होता है आरईसी में, फिर उसका अपग्रेड होता है नवरत्ना में, ठीक है? तो ये आईबीसी का नेक्स्ट लेवल है जिसको
जिसमें जाने के लिए ना आपको मिनिमम 4 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अर्निंग करनी पड़ेगी, तब आप टीएमसी में जा पाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ एक आईबीसी बनाकर इस इवेंट में आने का मौका मिल रहा है, जो हर आईबीसी को नहीं मिलता है। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने, तो ये जानकारी मैंने दे दी आपको कि भैया एक आईबीसी जोड़ना है 26 कल शाम के 12 बजे तक, तो आपको टीएमसी इवेंट में आने का मौका मिल जाएगा। कल रात को 12 बजे तक टाइम है सर? हाँ जी, कल 26 तारीख है, कल रात के 12 बजे तक का टाइम है सर। और एक तो जैसे चैनल पार्टनर का तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई थी 2 जुलाई को, क्या विवेक बिंद्रा जी लाइव ट्रेनिंग क्लासेस लेंगे आईबीसी का? कहाँ से हैं सर आप? हेलो पवन जी, कहाँ से हैं आप? हेलो पवन जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो पवन जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, चलो कोई नहीं, जान दो। ओके तो भाई ये एक छोटी सी अपडेट है जो मैं आपको दे देता हूँ कि हाँ जी 2 तारीख को आप सभी को विवेक बिंद्रा से डायरेक्ट ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, इसी तरीके से जैसे मैं अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 30 तारीख तक अपना ब्रेक जीरो कर ले। तो ये आशीष जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 30 तारीख तक अगर आपने अपना ब्रेक जीरो कर लिया, देखो आईबीसी बना लिया तो आप टीएमसी में भी जा पाओगे और विवेक सर का ट्रेनिंग भी अटेंड कर पाओगे। लेकिन मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं छोटे छोटे, 1000 रुपए का एक बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है, 3000 रुपए का एक बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है। अगर आप उस प्रोडक्ट से भी अपना एक्टिवेशन कर लेते हैं, अपनी सेल्स को क्लोज कर लेते हैं, तो आपको विवेक सर का ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिल जाएगा। मौका गवाइएगा नहीं, तो 30 तारीख से पहले पहले 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट तो क्लोज करना ही करना है। सन्नी केशरवानी जी को अनम्यूट करते हैं। जी सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को ये करना था, पिच करना था, तो पिच किंग के लिए कैसे करना पड़ेगा सर? सर पिच करने के लिए ना आपके पास वन आपके अंदर एक ना सेल्स स्क्रिप्ट दी गई है, तो नॉलेज बैंक में जब आप जाओगे वहां पे सेल्स स्क्रिप्ट दी गई है और उसके अंदर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैसे आप अपना सेल्स पे अपनी पिच पे काम कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर से बात कर सकते हैं, कॉल ओपनिंग में क्या बोलना है, रैपो बिल्डिंग में क्या बोलना है, तो वो सारी सेल्स स्क्रिप्ट वहां पे लिख कर दी गई है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद फिर अपनी खुद की सेल्स स्क्रिप्ट बना सकते हैं आप। अपन सर बिलासपुर गए थे सर, छत्तीसगढ़ से अपन रायगढ़ छत्तीसगढ़, तो कल बिलासपुर में सर आतुसोतर मंसूर सर से मुलाकात हुई कल। बहुत बढ़िया, तो मैं प्लानिंग सोच रहा हूँ वही कि सर कि रायगढ़ से मैं डायरेक्ट बिलासपुर में वहां रह के मैं ऑफिस में वर्क करूं। सर मैं वही सजेस्ट कर रहे थे कि कम्युनिटी बिल्ड होगा वहाँ। सही है। क्या तो सर अपन टाइम करना चाहते हैं लेकिन क्या है घर में नहीं हो पाता वो काम? नहीं सर घर में नहीं हो पाएगा, देखो घर में और 4 काम होते हैं, कभी दरवाजे की घंटी बजती है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई परेशान कर लेता है, कभी कोई फोन आ जाता है, बात हो जाती है। ऑफिस में जाके जो माहौल आपको मिलेगा ना वो आपको घर पे नहीं मिल पाएगा। तो मैं सजेस्ट ये करूंगा अगर आप फुल टाइम के लिए ये जॉब ये काम करना चाह रहे हैं तो अपने चैनल पार्टनर के ऑफिस में रोज जाइए और डिसिप्लिन के साथ रोज सुबह 10 बजे पहुंच जाओ, शाम को 6 बजे तक काम करो, 7 बजे तक काम करो, उसके बाद छुट्टी करो। दिन भर में जब आप ऑफिस में रहोगे जो रहने वाले वहां पे आईबीसीज हैं, जो और भी लोग हैं वहां पे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, सजेस्ट करेंगे, गाइड करेंगे और लर्निंग देंगे, तो उससे आप जल्दी सीख पाओगे और अपना काम पूरा कर पाओगे। ऑलरेडी सर कंसल्टेंट हूँ मैं, लोन पॉलिसी का काम करता हूँ, तो मैं बोला इसमें प्रोडक्ट का थोड़ा नॉलेज लेता हूँ, उसके बाद ऑलरेडी इसमें करूँ तो ज्यादा अच्छा है। हाँ नहीं सही बात है सर, बिल्कुल ठीक है। कंसल्टिंग वर्क तो मेरा पहले से ही है लेकिन अभी क्या है जब से कोविड के बाद से लोगों की पॉलिसी लोन में बहुत ज्यादा वो हो गई है। लोन के कामों में बहुत लोगों का सिविल इशू आया है, तो अपने को और सर नॉलेज देना ज्यादा अच्छा है। नहीं सर ठीक है, बिल्कुल सही आइडिया है आपका, तो आप जाके ऑफिस में कनेक्ट करो, काम करो, तो आपको वहाँ पे सब लोग मिलेंगे जिनके साथ आप काम बना सकते। राइट सर, वहाँ कोई बोल देता तो वहाँ सपोर्टिंग के लिए तो अच्छा होता सर। और हाँ तो वहाँ आप जाओगे तो वहाँ बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। सर बोल रहे थे मेरे को जैन सर, वो जो चैनल पार्टनर है हमारे विकास लहरे सर, बोल रहे थे कि वहाँ अपन रूम अरेंज कर देंगे बोल के। रूम अरेंज करेंगे तो वो हिसाब से अपन जो भी वहाँ का जो चार्जेस आएगा अपन मैनेज कर लेंगे। और साथ सर मैं वही आपको कह रहा हूँ, उसमें आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, तो उनसे आप बात करके इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। लोग ही बोले थे सर, उन लोग ही बोल रहे थे सर, आशुतोष सर ये सभी बोल रहे थे कि सजेस्ट कर रहे थे कि वहाँ आप रहो करो। बल्कि सर आपकी आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क का इशू है, कोई नहीं मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी दुर्बतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? आई एम गुड सर।
सर मैं यही कहना चाहता हूँ, एक 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 पूछना है सर, एक सवाल। ये जो डिजिटल दुनिया का जो कोर्स आया है सर हमारा, जैसे हम सभी वीडियो जैसा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की, हम सुन सकते हैं सर, देख सकते हैं, सब ले सकते हैं सबका, ये बीबी जूनियर क्या हम एक्सेस कर सकते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। आप वन ऐप पे जब जाओगे ना, तो जब वन ऐप खुलता है तो उसके होम पे ना आपको एक बैनर मिलता है बीबी जूनियर का। आप जैसे उस पे क्लिक करते हैं, वहां पे पहले आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका एक आईडी पासवर्ड जो वहां पे आपको मिल जाएगा जिससे आप लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन हाँ अपने देखने के लिए और दूसरों को डेमो दिखाने के लिए वो एप्लीकेशन आपको वहां पे मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को कुछ चीजें दिखा पाएंगे। अच्छा नहीं, ये सवाल था सर। और दूसरी बात ये है सर, एक मैं भी एक एरिया बिजनेस मैनेजर का काम करता हूँ, बहुत बढ़िया सर, लिमिटेड में एल्बर्ट डेविड, ये एक्चुअली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। छह रिप्रेजेंटेटिव मुझे रिपोर्ट करता है सर। तो दिस इज, मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स राइट टू अर्न, एक बात। दूसरी बात है, कोविड के बाद हम लोगों ने क्या देख लिया सर, एक के बाद एक कंपनी शट डाउन हो गया। हजारों हमारे मेडिसिन में भी सर बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज जो है लाइक नोवार्टिस, अभी वो हैंड रेज कर दिया कि चलो हम लोग कर नहीं सकते। नोवार्टिस लाइक कंपनी जिसको पहले सर हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनी कहा जाता था सर, तो वो भी हैंड रेज कर दिया। फाइजर भी धीरे 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 इंडिया से उठा रहा है सर, सब एक के बाद एक कंपनी सर शट डाउन हो रहा है। तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और मैंने विवेक सर का बहुत तीन चार वीडियो भी, वो जो क्रेडिट्स को देता है ना हम लोग 22-22, हाँ जी हाँ, तो उसमें से सर चार वीडियोस मैंने देखा, उसमें एग्जामिन भी दिया मैंने, एग्जामिनेशन दिया हाँ। तो इतना सारा सीखने को मिलता है सर, अगर 10 साल ऐसा बहुत वीडियोस आएंगे, बहुत सारा कोर्सेस आएंगे, लाइफ में सर कुछ ना कुछ तो बन जाएंगे, अच्छा ही होगा। सही बात है सर, बिल्कुल। मुझे लगा है सर पॉजिटिव साइड है। और मैं कल भी ये सुन रहा था आपका 80-20 वाला जो है ना, जो विवेक सर ने जो बोला था, मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि हमारा क्लोजिंग चल रहा था, कल मैं ट्रेनिंग कर नहीं पाया था, रास्ते में था और नेटवर्क का इश्यू हो रहा था। तो मैंने एनएच आईटी में जो वन ऐप के अंदर जो है ना सर देखा था। ठीक है सर, दुर्बदल जी मैं आपको इसमें रोकना, मैं आपको इसमें रोकना चाहूंगा। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ना, ये हम सभी को इस 5 दिन की ट्रेनिंग में बताई गई होगी। आई एम सॉरी मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, है ना। बहुत अच्छी चीज आपने बताई है सर, और ये सारी चीजें हमारे पास वन ऐप में नॉलेज बैंक के अंदर भी अवेलेबल है, सेल्फ लर्निंग में भी अवेलेबल है, और आप अपनी सेल्फ लर्निंग लेकर इन चीजों को सीख कर इम्प्लीमेंट करके अपनी फोकस कर सकते हैं अर्निंग के ऊपर। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप अपना करिए इसको और सीखिए, और बहुत फायदा आपको होगा। लेकिन ये मत सोच लेना गलती से भी कि भैया आज हम जुड़े हैं, एनएचआईटी खत्म हो गई और 15 दिन के अंदर मेरे पास 1 लाख रुपए का रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे काम करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाके रेवेन्यू जनरेट होगा। और रेवेन्यू हो सकता है 3 महीने में जनरेट हो सकता है 6 महीने में हो, और हो सकता है साल भर में हो। डिपेंड करेगा कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं और आप कितना काम कर रहे हैं अपनी अर्निंग के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि पैसा आने में देरी हो सकती है, लेकिन आएगा जरूर, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। डीमोटिवेट होके, उदास होके चले गए छोड़ के, तो भगवान जो कह रहा था कि अगले साल 2023 में तुम्हारे पास 1 लाख रुपए महीना आने वाला है नरोत्तम जी, वो आएगा नहीं अगर आपने इसी साल उसको छोड़ दिया। तो जुड़े रहिएगा, काम करते रहिएगा, उदास नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, और काम करते रहना है और खुद पे काम करना है, ठीक है। चलिए सौरभ जी को, अच्छा एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, फटाफट से सवाल बोलिए, सवाल के जवाब मैं आपको दूंगा, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और वाइट लेबलिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। जी सौरभ जी, फटाफट से। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बेसिकली मेरा सवाल ये था कि जैसे ही हम क्या बोलते हैं कॉल ओपनिंग करते हैं और कॉल कनेक्ट करते हैं, उसके बाद अपने को बिंद्रा जी का इंट्रोडक्शन करना होता है या फिर कस्टमर को पता होता है ना, अपना इंट्रो कर रहे हैं ना कि हम हमारा पर्पस क्या है, फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट सवाल पूछना होता है कि
आपके बिजनेस में अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रही है आपके शॉर्ट टर्म? नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, कॉल ओपनिंग जब हम कर लेते हैं, हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम रैपो बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। रैपो बिल्डिंग के बाद ना मेरे को कस्टमर से सबसे पहले एक सवाल पूछना होता है कि सर आपके आपके बिजनेस को समझने के लिए मुझे ना आपसे कुछ 8-10 सवाल पूछने होंगे, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परमिशन मांग रहा हूँ। परमिशन मिलने के बाद आप सवाल पूछेंगे। पहले करनी है प्रोफाइलिंग, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं, किसके साथ करते हैं, जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं, वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपके पास में हैं, तो ये सारी चीजें मैं उनसे पूछता हूँ प्रोफाइलिंग के टाइम पर। उसके बाद जब मैं नीड एनालिसिस की बात करता हूँ ना, तब मैं जाके उनसे पूछता हूँ कि भाई कोई दिक्कत आ रही है इसको करने में। तो पहले मुझे सिर्फ प्रोफाइलिंग पे काम करना है, मुझे सवाल ऐसे पूछने हैं जिससे मैं उसकी बर्निंग प्रॉब्लम निकालूं, मैं उसको एक्चुअली समझूं कि अच्छा कहाँ जाना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वहां जहां जाना चाहते हो उसके लिए क्या सोचा है, क्या किया है, कितना खर्चा कर सकते हो, ये सवाल है। अब एट द एंड जब नीड एनालिसिस की बात आएगी तब दो सवाल पूछने, कोई दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत आ रही है, और दिक्कत नहीं है तो गोल क्या है, कहाँ जाना चाहते हो। तो पहले प्रोफाइलिंग के सवाल, फिर नीड एनालिसिस। तो सर हमें प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस दोनों ही फर्स्ट कॉल के अंदर करनी होती है? देखो डिपेंड करता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं कहता हूँ कि आप फर्स्ट कॉल में भी प्रोफाइलिंग कर लेंगे तो प्रोफाइलिंग करने के बाद में आप उसको सेकेंड कॉल पे ले जाके बेनिफिट्स पिचिंग की कर सकते हैं, है ना, तो वो आपके ऊपर है। एक मिनट दीजिएगा सौरभ जी। यस सर। ठीक है सौरभ जी, तो मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं कि पहले प्रोफाइलिंग फिर नीड एनालिसिस। हां जी बोलिए। आफ्टर प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस हमें क्या बोलते हैं कस्टमर को नर्चर करना होता है जब तक वो प्रोडक्ट का डिसीजन ना ले कि अपने को मतलब प्रोडक्ट परचेस करना है ना। नर्चरिंग का प्रोसेस मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। नर्चरिंग का ना, नर्चरिंग का मतलब क्या है? देखो नर्चरिंग का मतलब होता है मैंने एक पेड़ उगाया, अब उस पेड़ को मुझे, मैंने एक पौधा उगाया, अब उस पौधे को मुझे पेड़ बनाना है। तो अगर मैं गुलाब का पौधा लगाऊंगा उसकी नर्चरिंग अलग होगी, और अगर मैं कैक्टस का पौधा लगाऊंगा तो उसकी नर्चरिंग अलग होगी। मानते हैं कि नहीं, है ना? इसी तरह जितने लोगों से आप बात करेंगे हर तरीके का कस्टमर आपका डिफरेंट होगा। नर्चरिंग का मतलब है कि भाई मुझे उसको ये याद दिला के रखना है कि सौरभ दीवानगन, यही नाम है ना? यस सर। गलत तो नहीं बोला मैंने? No, sir, नाम का एक व्यक्ति है जो आईबीसी है और बड़ा बिजनेस के साथ काम करता है, और जिसने आपको आईबीसी पिच करा था या बीसीबी पिच करा था वो याद रहना चाहिए, वो फॉलो अप कहलाता है। अब वो फॉलो अप आप कॉल पे कर सकते हैं सर, एसएमएस पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, तो ये कुछ 2-3 ऑप्शन होते हैं जहां हम करते हैं। अब आप उसको रोज कॉल करोगे तो क्या होगा, दूसरे दिन फोन उठाना बंद कर देगा, है ना? रोज व्हाट्सएप भेजोगे तो क्या होगा, वो ब्लॉक कर देगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको याद भी दिलाते रहना है, है ना, कि मेरे को मेरे दिल में क्या है, ले लीजिए ना सर, है ना। लेकिन मुझे उसको ये मुझे उसको ये एक्सप्रेस नहीं करना है कि मैं ऐसे, मैं सर आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। तो 4 दिन में 5 दिन में डिपेंडिंग कि वो हॉट लीड है, कोल्ड लीड है या वार्म लीड है, आप उसको नर्चर कर सकते हैं। नर्चर करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई सौरभ के साथ अगर मैं बैठूंगा तो मैं अलग तरीके से बात करूंगा, और संतोष जी के साथ अगर मैं बैठूंगा तो अलग तरीके से बात करूंगा। यस ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके संतोष कुमार जी को अनम्यूट करते हैं। जी संतोष जी फटाफट से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं बहुत देर से बात करने के लिए आतुर था। हाँ जी सर। वो सबसे पहले जो कॉल आया था सांगवान जी का, वो मिस्टर प्रियांशु रंजन जी के यहाँ जाने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उनके जो आईबीसी मैनेजर है नेहा अरोड़ा जी, तो उन्होंने मुझे पिच किया था तो मैं उनके थ्रू गया था। और मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ। प्रियांशु रंजन जी जमशेदपुर से बिलोंग वो भी करते हैं, मगर उनका वर्किंग प्लेस है दिल्ली। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मैं चाह रहा था कि मैं उनके मैं चाह रहा था अगर उनके वो उनके एरिया में अगर उनके रीजन में मैं चाह रहा था वर्क करना, मगर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जी अभी लिए के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा आधार कार्ड पर नहीं, नेटवर्क चला गया, आवाज कट गई।
जमशेद। अच्छा मैं ना एक चीज संतोष जी एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जितने भी लोगों का मैपिंग को लेकर सवाल है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूँ, संतोष जी है या कोई भी है जिन्होंने पहले भी बात करी थी, जो चैनल पार्टनर अभी आपको मिला है आपको उन्हीं के साथ कनेक्ट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए मैपिंग चेंज करना और करवाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ अगर हो सकता है कोई चेंजेस हो जाए या अगले महीने कुछ दो महीने बाद चेंजेस हो जाए तो आप अपने रीजनल मैनेजर से कनेक्ट करके अपनी मैपिंग चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने चैट में भी कुछ सवाल पढ़े, 400 किलोमीटर दूर है, किसी का कहीं है कुछ है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आपके आधार कार्ड के एड्रेस के बेसिस पे आपकी मैपिंग हो गई है, बट वो मैपिंग अभी के लिए चेंज करना पॉसिबल नहीं है। मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, मुझे क्षमा करें, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये कंपनी के रूल्स हैं कि अभी के लिए मैपिंग के कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं ना। थैंक यू सर। राइट सर, राइट, थैंक यू वेरी मच सर। और कोई सवाल तो नहीं संतोष जी? नो सर, नो सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। विनोद कुमार जी को अनम्यूट करते हैं। जी विनोद जी फटाफट से, विनोद कुमार रावत। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो भी अपन एड रन करते हैं उसमें अपना नंबर शो होता है जी, बट मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 8 दिन में कि वो तो हर आधा घंटे में नए नए नंबर आते हैं, नए नए वीडियोस आते रहते हैं उसके ऊपर, सामने वाला कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा कि किसको मैं कॉल करूँ? कर नहीं, नए नए वीडियोस क्यों आएंगे आपके चैनल पे, तो खाली आप ही के नंबर वाला वीडियो आप रन करेंगे ना। नहीं नहीं, फेसबुक पे यदि चल रहा है, फेसबुक पे भी अगर आप रन करोगे तो आप अपने नंबर का वीडियो रन करोगे, किसी और का क्यों करोगे? नहीं, बट दूसरे भी जो आईबीसी से वो भी तो फेसबुक पे रन करते हैं, तो मैंने ही ऑब्जर्व किया है कि मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया है कि आधा घंटे बाद फिर से एक वीडियो आता है उसमें दूसरा नंबर होता है, फिर एक दो घंटे बाद दूसरा एक वीडियो आता है उसमें दूसरा नंबर होता है। तो वो तो सर देखो, जैसे जैसे विनोद कुमार जी फेसबुक पे एड रन कर रहे हैं वैसे ही निवास जी भी कर रहे हैं, वैसे ही संतोष जी भी कर रहे हैं, वैसे ही अमित चौबे जी भी कर रहे हैं। तो अब कस्टमर क्या करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खिलाया जाता है। मान लो संतोष जी ने एक सर्च करा आईबीसी फेसबुक पे जाके, तो आधे घंटे के अंदर ना वो आईबीसी की इन्फॉर्मेशन पूरे दुनिया जहान में चली जाती है और संतोष जी को ना सिर्फ उसी से रिलेटेड एड्स दिखने नजर आ जाते हैं। और ये होता है, आप कोई भी वेबसाइट खोल लेंगे ना संतोष जी, तो उनको वही एड्स आईबीसी के एड दिखने शुरू हो जाएंगे। अब उसमें कभी विनोद जी का नंबर दिखेगा, कभी रोहिताज जी का दिखेगा, कभी गौतम जी का दिखेगा, तो वो तो खैर अलग अलग है कि हर कोई एड रन कर रहा है तो दिखेगा ही दिखेगा। बट मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ सर, वन ऐप के अंदर ना अभी जैसे हम किसी से बात भी कर रहे थे, लीड जनरेशन का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर मान लो विनोद कुमार जी की बात हो रही है प्रिया सिंह जी से, ठीक है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि प्रिया सिंह जी का नंबर जो है ना अपने वन ऐप के अंदर लीड जनरेशन में जाके सेव कर लेना है। तो उससे क्या होगा विनोद कुमार जी, 15 दिन के लिए वो कस्टमर आपका हो गया। इन 15 दिनों के अंदर अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको सेल करता भी है प्रोडक्ट की, तो वो सेल आप ही के अंडर काउंट होगी क्योंकि वो लीड क्लैश पॉलिसी में आ जाती है। लेकिन 15 दिन के लिए, 16वें दिन क्या होगा, वो फिर फ्री हो जाएगा, फिर उसको कोई भी दूसरा सेल कर सकता है। तो ये आपको करना पड़ेगा हर कस्टमर के साथ। ओके, थैंक यू राइट सर, थैंक यू सर। प्रिया सिंह जी, जी सर बताएं। सर हम विनोद कुमार भाई के नाम से रजिस्टर कराए हैं। जानना था सर, हम पर डे मतलब हम प्लान कर रहे हैं पर मिनिमम पर डे अटेंडेंस दिखाता है वो एनएचआई कोई दिक्कत नहीं है सर। वो अगर मैं एक बार आपको म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा शोर बहुत ज्यादा आ रहा है इसलिए, ऐसा है कि अगर बाय चांस ऐसा होता है कि आपकी एब्सेंट मार्क हो रही है तो एक बार इस पे सीएमएस में जाके टिकट रेज कर दीजिए कि भाई मेरा एब्सेंट मार्क दिखा रहा है तो क्यों दिखा रहा है। अदरवाइज ऐसी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट करा है वन ऐप पे ये ट्रेनिंग करने का, तो कुछ टेक्निकलिटीज में दिक्कत आ रही है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी तो आपका क्लियर हो जाएगा। डे 3 के ऊपर जो टेस्ट आया था वो टेस्ट जरूर देना वन ऐप में जाके, और आज डे 6 के अंदर भी आपके पास वहीं पे टेस्ट आएगा, वो टेस्ट जरूर दे दीजिएगा जाके, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा सर्टिफाइड NHIT IBC करके, तो वो आपका प्रूफ रहेगा कि भाई आपने NHIT अटेंड करी है और आपने टेस्ट भी क्लियर कराए कर, ठीक है, तो वो टेस्ट दे दीजिएगा। बाकी अटेंडेंस का ऐसा कोई अभी इनिशियली दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। प्रिया जी क्या बीबी जूनियर, हाँ
सर आपके ना वॉइस बहुत बहुत खराब आ रही है। अच्छा सुनिए आप जा रहा आवाज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा सर कह रहे हैं बीबी जूनियर किसी को हम सजेस्ट करते हैं कि आपके बच्चे के लिए वो तो अच्छा रहेगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन कहते हैं कि जैसे अदर लोग भी तो ऑनलाइन चला रहे हैं इससे मतलब वो बढ़िया है और कम पैसा या ज़्यादा इस तरह से बताते हैं, जैसे टाल मटोल करते हैं, लेना चाहते हैं लेकिन वो मतलब कन्फर्म नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या सुझाव देंगे? सर मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि उन कस्टमर्स के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, एक मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा सर। हाँ जी, तो आप कह रहे थे सर बीबी जूनियर के बारे में अगर आपको जानकारी है और उसके बाद आप लोगों को दे रहे हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ना हम लोगों को जुड़े रहना पड़ता है, हम लोगों को याद दिलाते रहना पड़ता है और हम लोगों को फॉलोअप करते रहना पड़ता है, बिकॉज जितना ज्यादा फॉलोअप होगा उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कस्टमर की आपसे जुड़ने की। जी सर, और एक व्हाइट लेबलिंग के बारे में बता रहे हैं उसका थोड़ा सा। हाँ वो अभी मैंने बताया ना आपको, मैम आएंगी स्वाति मैम, वो आपके साथ कनेक्ट होंगी तो वो आपको ट्रेनिंग देंगी। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, गौतम कुमार सिंह जी। जी गौतम जी बताएं, जो लोग वीडियो पे नहीं है अगर वो उनका कोई सवाल है तो वो अपने चैट में सवाल डाल सकते हैं, मैं चैट आपके लिए ओपन करा हुआ है मैंने, तो चैट पे आप सवाल डाल दो जिन लोगों के सवाल हैं, जो वीडियो पे नहीं है तो मैं वहां से जवाब दे दूंगा। जी गौतम जी। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल है बीबी जूनियर के लिए। सर जो लड़के चाहते हैं जिनके पेरेंट्स की वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे चाहते हैं, तो बीबी जूनियर तो बोलते हैं कि बिजनेसमैन के लिए है, बिजनेस जो करना चाहते हैं उनके लिए है, उनको क्या जवाब दिया जाए? क्या बिजनेस करने वालों के लिए बीबी जूनियर? हाँ जैसे उनका कहना है कि मेरा बच्चा ये बिजनेस का कोर्स नहीं सीखना चाहता है। किसने बोला कि बीबी जूनियर बिजनेस वालों के लिए? नहीं, उनका ऐसा क्वेश्चन है कि ये तो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, तो उनको कैसे? बिजनेस से कैसे जुड़ा हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको किसने बोला कि बिजनेस से जुड़ा हुआ है, है ना? तो गौतम कुमार सिंह जी का काम ही यही है कि वो हर कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई बीबी जूनियर बड़ा बिजनेस जूनियर नहीं है, बीबी जूनियर है जो कि K-12 सेक्शन, किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की जितनी भी स्कूल में पढ़ाई होती है उस पढ़ाई से रिलेटेड आपको वो नॉलेज देता है और वो आपको इंफॉर्मेशन देता है ताकि आपका जो है बच्चा अपने स्कूल की पढ़ाई को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सके, ध्यान रख सके और उसके ऊपर आगे अच्छे स्कोर से पास हो सके। सर दूसरा क्वेश्चन है, जब लीड हम जनरेट करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन नंबर मांगता है, तो वो कहाँ से देंगे सर? कौन सा ट्रांजैक्शन नंबर? लीड जब जनरेट करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है ट्रांजैक्शन नंबर। जरूरी नहीं होता सर, लीड जनरेशन के टाइम में ना बहुत सारी चीजें वो मांगता है, लेकिन उनमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें नहीं होती है, जो इम्पोर्टेंट है वो भर दीजिए, जो नहीं है वो छोड़ दीजिए, तो हो जाएगी जनरेशन। हाँ जी, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, तीन चार चीजें डालनी होती है, बस वो डाल के आप कर सकते हो। ओके ओके थैंक यू राइट सर। ओके यहाँ पे कोई कह रहा है लीड कहाँ से मिलेगी, अमित चौबे जी कह रहे हैं लीड सर मिलेंगी जैसे आपको थर्ड डे पे बताया गया होगा, फोर्थ डे पे लीड जनरेशन की बात करी गई थी कि तो ऑर्गेनिक लीड और पेड लीड, तो पहले तो हम ऑर्गेनिक लीड पे काम करते हैं, मतलब हम फ्री की लीड्स पे काम करते हैं, जो हमारे जानकार लोग हैं, हमारे दोस्त यार रिश्तेदार, आपके फोन बुक में बहुत सारे लोगों के नंबर सेव्ड हैं, आप फेसबुक से लोगों के नंबर्स उठा सकते हैं, अलग अलग जगह से जहाँ से फ्री में लीड्स मिलती है उनके साथ कनेक्ट करके बात करिए। मैं कह रहा हूँ फ्री की लीड्स पे बात करने से सेल भले ही ना हो लेकिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बात करने का, तो वो मुझे फोकस करना है और उसके बाद फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं और उस पर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस लिंक जिससे आपने लॉग इन करा था उसी से आपका हो जाएगा। वैल्यू क्रिएशन भाई बहुत सिंपल सा फंडा अनिल कुमार जी, मुझे किसी चीज का बेनिफिट बताना है, फीचर नहीं बताना, मेरे अंदर क्या खूबी है उससे सामने वाले को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे मेरी अंदर खूबी जो है उससे सामने वाले का क्या फायदा होने वाला है, दैट इज वैल्यू क्रिएशन, तो वो हमको बेनिफिट के तौर पर उसको बताना है। ये बैकग्राउंड वॉल कैसे क्रिएट करते हैं वो रीजनल ट्रेनिंग्स में पता कर लेना, बैकग्राउंड लगता है कोई भी लगा सकता है। आशीष राजपूत जी मैं वेट कर रहा हूँ मैम के आने का, जैसे मैम लॉग इन करती हैं, तो 8:30 बजे का टाइम था है ना, अभी 3 मिनट और है, जैसे मैम लॉग इन करती है हम सेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।
बीबी जूनियर मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स नहीं क्या? सब कुछ है सर ऋषभ जी, रिशु जी, मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी संस्कृत सब कुछ मिलेगा। लीड कहाँ से मिलेंगी बता दिया मैंने सर, प्लीज कंफर्म दैट हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। सर ये आपको रीजनल ट्रेनिंग में पता चलेगा या आप सेल्फ लर्निंग में जाके चेक कर सकते हैं। जो सवाल था क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो हाउ आर यू, आई हैव जॉइन, ओ अच्छा सॉरी ओके। तो भाई एक मिनट चैट हम बंद कर देते हैं। गुड मॉर्निंग स्वाति मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आई एम सॉरी मैं वो लगातार रीड कर रहा था तो आई कुड रीड दैट। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके गुड गुड, सो वेलकम टू दिस सेशन। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कब आएंगे हमारी हमारी मैम एंड कब हम। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर कि सारे क्वेश्चंस आप ले पाओ मैक्सिमम, सो आई वाज देयर ओनली। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस जिन लोगों ने अपने डिजिटल हैंड रेज करे हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैं चैट में अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपका कोई भी सवाल जो मैं यहां पे आंसर नहीं कर पाया तो प्लीज आप मुझे इस ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस लिख के दे सकते हैं। suyog.kapoor@badabusiness.com चैट पे लिख के मैंने दिया है, इसको कॉपी करके रख लीजिएगा। दो काम करने हैं, पहला कि अगर कोई सवाल है जिसका क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा आईबीसी मैनेजर रहता है, उनसे कनेक्ट करिए, और नहीं तो आप मेरे साथ कनेक्ट करिए या अपने रीजनल ट्रेनिंग हेड से कनेक्ट करिए। दूसरा एक काम और करना है कि ये जितनी भी 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग हुई है इसके अंदर आपको ट्रेनिंग में कैसा लगा, क्या समझा, क्या नहीं समझा, क्या सीखा, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, ऐसा एक छोटा सा फीडबैक आप दो तरीके से दे सकते हैं, या तो लिख कर और या फिर अपनी एक सेल्फी वीडियो बनाकर। तो फोन रखा साथ में, सामने वीडियो ऑन करी और उस पर रिकॉर्ड कर दिया बोल करके आपको कैसा लगा इस वीडियो, इस ट्रेनिंग को अटेंड करके। तो ऐसी एक वीडियो भी आप बनाकर हमें इसी मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, लिख कर चाहे तो लिख कर और बोल कर चाहे तो बोल कर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं सुयोग कपूर आपसे विदा लेना चाहूंगा बिकॉज स्वाति मैम हमारे साथ जुड़ गई है और वाइट लेबलिंग की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल हैंड रेज डाउन कर दीजिएगा और ध्यान से इस ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा क्योंकि बहुत फायदा आपको होने वाला है अगर आप वाइट लेबलिंग अच्छे से समझकर उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो ओवर टू यू स्वाति मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुयोग सर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, सब कैसे हैं? इतने टाइम से 6 दिन की NHIT और ये एक और वाइट लेबलिंग जो प्रोडक्ट है वो बड़ा बिजनेस का एक हाई टिकट प्रोडक्ट है और मैं स्वाति रस्तोगी हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। सो कितना एक्साइटमेंट बचा है अभी भी लोगों में इस प्रोडक्ट के बारे में जानने में, थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए कि एनर्जी चली गई सारी, कौन जानना चाहता है चैट बॉक्स में? मुझे सिर्फ विक्की सर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी सब आशीष सर ने अपना हाथ उठाया, रमन सर कॉपी पेंसिल लेके एकदम तैयार है। स्वाति मैम आई गेस आपको चैट शायद नजर नहीं आ रही होगी, यहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड और फुल एनर्जी के साथ आपका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो जवाब दे रहे हैं मुझे। ग्रेट ग्रेट, सो बिना टाइम लेते हुए आई विल क्विकली स्टार्ट। सो व्हाइट लेबलिंग डिपार्टमेंट जो ये प्रोडक्ट है, व्हाइट लेबलिंग डिपार्टमेंट में दो तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं एज ऑफ नाउ। एक है इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग जो कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के साथ हम करते हैं, और दूसरा है कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने नोट्स बनाएं, हो सकता है कि कुछ पॉइंटर्स आप बीच में मिस कर जाएं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको आपको अभी चैट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का जिसमें व्हाइट लेबलिंग डिपार्टमेंट की पूरी टीम है, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके। सो कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग और इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग। सो इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग जैसे कि मैंने बताया कि मैं कॉलेजेस के साथ हम करते हैं और यूनिवर्सिटीज के साथ करते हैं, कैसे करते हैं, उनको हेल्प करते हैं उनकी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की भी बर्निंग प्रॉब्लम होती है, एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं, क्वालिटी एडमिशन प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, नौकरी कंपनीज आती हैं अपने आपके कैंपस में लेकिन बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, इम्प्लॉयबल नहीं है बच्चे। तो ये सारे गैप्स को हम फिल करते हैं अपने कोर्सेज के थ्रू और एक्सटेंसिवली मदद करते हैं इंस्टीट्यूशंस की प्लेसमेंट और हायरिंग में। सो ये हम करते हैं मोटा मोटी इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग की। तो आज मैं थोड़ा इन डेप्थ बात करूंगी कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग के बारे में, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल व्हाइट
व्हाइट लेबलिंग के बारे में आपको के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वेबिनार हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसका लिंक आपको उसी चैट ग्रुप में मिलेगा जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आपको उसको ज्वाइन करना है। सो कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग मुझे स्पेशली पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत तरीके के बिजनेस ओनर से, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ओनर से रोज मेरा इंटरेक्शन होता है, नई नई प्रॉब्लम्स सुनने को समझने को मिलती है और उनको हेल्प करने का मौका मिलता है। सो कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग क्या है? सो कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग हम करते हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, एमएसएमईज के साथ, एसएमईज के साथ। सो जिनका भी छोटा बड़ा बिजनेस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, सो टर्नओवर की यहाँ पे कोई बैरिगेटिंग नहीं है कि जिसका करोड़ों में टर्नओवर होगा हम उसके साथ व्हाइट लेबलिंग करेंगे। कुछ मैन पावर की ट्रेनिंग सबको जरूरत होती है, इंप्लॉइज सबके पास होते हैं, सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर ये व्हाइट कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग सबके लिए एप्लीकेबल है। सो वेरी क्विकली मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी? सो डॉक्टर बिंद्रा कहते हैं कि योर मैन पावर कैन मेक यू अ सुपर पावर। सो मैन पावर इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़े बिजनेस ओनर या हो या छोटा बिजनेस ओनर हो, चाहे मेरे पास 4 एम्प्लॉई हो चाहे मेरे पास 400 एम्प्लॉई हो, मैन पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो आपको सुपर पावर बना सके। तभी विवेक सर मैन पावर की ट्रेनिंग पे, इनफैक्ट ट्रेनिंग पे इतना जोर देते हैं, इतना एम्फोसिस डालते हैं। सो बिजनेस ओनर्स जो हमारे इवेंट पे आते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स में जो हम लोग करते हैं, सर के जो सेशंस अटेंड करते हैं, LFP हो चाहे BCP का इवेंट हो, हजारों की संख्या में लोग आते हैं अपनी लर्निंग के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए। उनके बिजनेस में जो चीजें दिक्कत दे रही है, फंड रेजिंग का प्रॉब्लम है, स्केल नहीं हो पा रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ कैसे लाए, सेल्स कैसे बढ़ाए, ये सारी ट्रेनिंग वो लेके जाते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज विवेक सर से सीख के जाते हैं। वो तो सीख के चले गए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा ग्राउंड लेवल पे? वो उनकी मैन पावर करती है। मैंने, मेरे पास बेस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज है, लेकिन मेरे पास मैन पावर इतनी अच्छी नहीं है कि उसकी उस स्ट्रेटजीज को सही से एग्जीक्यूट कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। चाहे कितनी भी बड़ी हाथ दुरंधर स्ट्रेटजी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो पाया तो बड़ी से बड़ी स्ट्रेटजीज फेल हो जाती है। इसीलिए मैन पावर की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैन पावर, एक एम्प्लॉई अगर 9 घंटे काम करके जा रहा है, सो एक बिजनेस ओनर कैसे ट्रैक करेगा कि 9 घंटे में वो प्रोडक्टिवली काम कर रहा है? प्रोडक्टिवली का की अगर मैं बात करूं तो 9 घंटे में अपना 100% पोटेंशियल दे रहा है या 50% पोटेंशियल देके जा रहा है? 2 घंटे का काम 9 घंटे में कर रहा है या फिर 9 घंटे में 2 घंटे का काम कर रहा है? So, ये सारी चीजें कैसे ट्रैक करेंगे, कौन कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितनी देर में काम कर रहा है, कितना एफर्ट लगा के काम कर रहा है, उसका रिजल्ट स्कोर क्या कितना आता है, तो ये पूरा हम ट्रैकिंग मैकेनिज्म एम्प्लॉइज और बिजनेस ओनर्स को देते हैं। तो जब हम इसी भाषा में उनसे जब बात करते हैं कि कैसे आप उनकी प्रोडक्टिविटी ट्रैक करते हो, तो बिजनेस ओनर्स को नहीं आता, क्योंकि कोई करता ही नहीं है, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है। सो इसी वजह से जो अभी से फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बिजनेस का टर्नओवर 50 लाख एनुअल है, मोस्ट लाइकली कि वो इस वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि मेरी मैन पावर इतनी ट्रेंड नहीं है। आगे चलते हैं। सो आज के टाइम पे जैसे कोविड के बाद 2 साल के बाद अब धीरे धीरे बिजनेसेस ट्रैक पे आ चुके हैं, सब कुछ पटरी पे चल रहा है, बिजनेसेस बाउंस बैक कर रहे हैं। पैंडमिक ने कई बिजनेसेस को शट कर दिया, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, सबको अपना सबके धंधे चौपट हो गए। तो लेकिन अब ये मौका एक बार फिर से मिला है कि पैंडमिक के बाद सब ट्रैक पे आते हैं, लेकिन इंडस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, नए नए तौर तरीके आ गए हैं। वर्क फ्रॉम होम 2 साल पहले किसी को पता ही नहीं होता था कि वर्क फ्रॉम होम नाम का जो ये कल्चर है वो इतना ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा, सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी निकल कर आएगी। तो उसके लिए क्या कुछ चीजें जरूरी हैं, अपने आप को अपस्किल करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जो काम मैं अभी तक करती आई हूँ उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से, जिस तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, रीस्किल नहीं किया, सो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी जहां मुझे जाना है। सो ये स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉर्पोरेट और के जो डायनेमिक्स जो चेंज हो गए हैं, इस वजह से मैन पावर की ट्रेनिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सो उसके
फायदे भी बहुत होते हैं एम्प्लॉयर को। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे मिलते हैं जो मैन पावर की ट्रेनिंग पे खर्च नहीं करना चाहते हैं। सो आप उनको, जब आपसे उनका इंटरेक्शन होगा कुछ समय बाद, जब आप और अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि व्हाइट लेबलिंग, ये कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग क्या होती है, कैसे पिच करना है, किसको पिच करना है, किस तरीके से पिच करना है, मीटिंग में कैसे लेके आना है, जब आपको ये सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, तब आपको ये जो फायदे आपको मैं जो बताने जा रही हूँ, ये फायदों को बताना है बिजनेस ओनर्स के लिए कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। ट्रस्ट बिल्ड होता है, मेरी अगर मेरी रीस्किलिंग हो रही है, मेरे को नई नई चीजें अपने मेरी कंपनी मेरे लिए इनिशिएटिव लेके मुझे नई नई चीजें सिखा रही है, तो ऑब्वियसली एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, मुझे ये एक फैक्टर, ये ट्रस्ट फैक्टर कंपनी के प्रति आएगा कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे, मेरे बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में इतना सोचती है। ट्रेनिंग से क्या होगा, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मेरा बेस्ट पोटेंशियल निकल कर आएगा, जो चीजें हो सकता है मैं नहीं जानती थी कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं और अच्छा कर सकती हूँ, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद उन सारी चीजों का मेरे को फायदा मिलता है, मेरी परफॉर्मेंस और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मेरा बेस्ट पोटेंशियल निकल कर आता है। उससे क्या होता है, मेरा जो सुपरवाइजर होता है, मेरा जो मैनेजर होता है, वो मेरे सर पे खड़े होके उसको काम कराने की जरूरत नहीं है, वो डंडा नहीं करेगा कि काम खत्म करो, काम खत्म करो, ये काम हुआ नहीं, टाइम से काम नहीं हुआ। उससे क्या होगा, उसका टाइम बचेगा, उसके एफर्ट्स बचेंगे, तो जो टाइम वो मेरे को डंडा करने में लगाता था, अब वही टाइम वो आगे डिपार्टमेंट को आगे कैसे लेके जाना है, हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ कैसे होगी, वो दिमाग अपना उस ग्रोथ ओरिएंटेड चीजों में लगा सकता है, ऑपरेशन से निकल के ग्रोथ ओरिएंटेड चीजों में अपना दिमाग लगा सकता है। और जब मेरे को विश्वास है मेरी कंपनी पे, ये यकीन है कि मेरी कंपनी मेरे बारे में इतना सोचती है, तो ऑब्वियसली मैं इस कंपनी में छोड़कर क्यों जाऊंगी। आज बड़ा बिजनेस कोई देख लीजिए, विवेक सर के साथ जो पहले दूसरे तीसरे जो इंप्लॉइज जुड़े थे जब विवेक सर ने अपना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से अपना जो करियर स्टार्ट करा था, आज भी वो इंप्लॉइज उनके साथ टिके हैं। आज इतनी बड़ी कंपनी हमारी हो गई है, साउथ दिल्ली में एक बहुत बड़ा ऑफिस है, हमारे दो दो बिल्डिंग्स हमने ले ली है, 750 इंप्लॉइज काम करते हैं हेड ऑफिस में, लेकिन उसके बावजूद भी जो पहले दूसरे तीसरे इंप्लॉय उनको छोड़ के नहीं गए, लेकिन ये सारी चीजें उस समय नहीं थी, 4x4 के कमरे से सर ने शुरू करा था और आज इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा ऑफिस खड़ा कर दिया। तो ये ट्रस्ट जो विवेक सर ने अपने इम्प्लॉयज का जीता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। तो जब आप इम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे इतना खर्च करते हो, इतना उनके फ्यूचर के बारे में, उनके ग्रोथ के बारे में, उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में इतना सोचते हो, तो वो कंपनी, वो इम्प्लॉय आपको कहीं छोड़ के जाता नहीं है। और फिर जब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, मेरा बेस्ट पोटेंशियल निकल के आ रहा है, मुझे कंपनी पे विश्वास है, तो उससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। उससे क्या होगा, जब सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। सो इतनी ज्यादा जरूरी है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर चीज, हर फायदा अपने आप से इंटररिलेटेड है और इसका सीधा साधा, सीधा सरल इम्पैक्ट सीधे सीधे पड़ रहा है प्रॉफिट और रेवेन्यू पे। दैट इज व्हाई इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट हर एम्प्लॉयर को कि अपनी मैन पावर पे वो जरूर इन्वेस्ट करे। सो पीक प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कुछ स्किल्स जो आपको अपग्रेड करने की जरूरत होती है, मोटा मोटी कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी डोमेन हो, ये सारे स्किल सेट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और इसको अपने आपको अपस्किल करने की जरूरत है, चाहे वो सेल्स एंड नेगोशिएशंस हो, चाहे लीड जनरेशन हो, और आज के टाइम पे तो कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन एंड वर्बल बोथ, और टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट, प्लस आप जैसे मैंने ट्रैकिंग मैकेनिज्म बताया था कि आप एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कैसे ट्रैक करते हो, तो उस पर हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, पूरा उनको डैशबोर्ड क्रिएट करके देते हैं कि आप किस तरीके से ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस में। और विवेक सर जैसे बोलते हैं, बूस्ट द हॉर्स पावर ऑफ योर मैन पावर विद बड़ा बिजनेस, अगर अपने आपको अपने एम्प्लॉय की मैन पावर को बूस्ट करना है, सो ये बड़ा बिजनेस का ये जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसको हम कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग बोलते हैं, उसको ज्वाइन करना, उसको करवाना बहुत बहुत जरूरी है। सो इतना इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग, और इसमें आप बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो आसपास आपके जो लोग हैं,
जिनको आप जानते हैं, जिनके बिजनेसेस है, या नहीं आप किसी, आपका कोई रेफरेंस नहीं है लेकिन आपके कुछ दोस्त होंगे जो किसी कंपनी में काम करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हर कंपनी में जरूरी होती है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग क्या होती है, और कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग के बहुत सारे फायदे हैं ये भी आपने समझा है, और इसका मैं आपको लिंक क्विकली शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स पे। आप इसको लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वाइट लेबलिंग टीम का लिंक है, और इसमें वेबिनार से रिलेटेड नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा वाइट लेबलिंग का, जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल वाइट लेबलिंग के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि मीटिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, उसको मीटिंग में कैसे लेके आना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। और इसको प्लीज ज्वाइन करिएगा, हमारी सारी टीम मेंबर्स के जो नंबर हैं, फोन नंबर्स हैं, सारा कुछ उसमें एडेड है, और कल मोस्ट लाइकली मॉर्निंग में या लेटर इन द डे आपको इसमें एक लिंक आएगा। प्राची मैम हमारी एक टीम की सदस्य हैं, वो आपको एक लिंक भेजेंगी जिसमें ये जो वेबिनार की रिकॉर्डिंग है ये भी आपको मिलेगा, इन केस आपका कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आपको दोबारा उसको गो थ्रू करने का मौका मिलेगा। साथ में आपको वाइट लेबलिंग का जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि ब्रोशर है, उसमें फॉर्मेट, लीड जनरेशन का फॉर्मेट है, लीड को कैसे रजिस्टर कराना है, कुछ उसमें और डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा कुछ आपको एक जगह मिलेगा। गूगल डॉक्स का लिंक होगा प्लस इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग होगी, तो उसको आप जरूर देखें। इन केस आपको अगर वन ऑन वन अपना कुछ इंडिविजुअल कुछ सेशन सुनना है, रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी है, तो आप उसको जरूर सुने। और ये ग्रुप मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इसमें पूरा इंस्टीट्यूशनल वाइट लेबलिंग और कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग के हम वेबिनार अरेंज कराते रहते हैं। एक डेडिकेटेड वेबिनार सेशन हम लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स का, उस दिन कोई बात नहीं होती है, उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक घंटा आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, कोई भी चीज हो तो। आप ये बहुत एक हाई टिकट प्रोडक्ट है, जिसमें जो मिनिमम जो डील टिकट साइज है वो 2-2.5 लाख रुपए का होता है, और क्योंकि एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होती है, डील साइज का जो पूरा है वो डिपेंड करता है कि उसको सर्विसेज क्या क्या चाहिए। सो उसको अगर अपने पूरे मैन पावर की हायरिंग भी करानी है तो हम हायरिंग में भी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, वो पूरा अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता है, इंटरव्यू लाइनअप करता है, तो हम स्क्रीनिंग में बैठते हैं और उसके राइट बंदों को, रेलिवेंट बंदों को उसके लिए हायर करवाते हैं। और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, किसी को अपना पूरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म चाहिए होता है, किसी को अपनी सेल्स से रिलेटेड चाहिए होता है, तो हम ये सारी चीजें उसमें बताते हैं। सो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग में। अगर बात करूं तो मुझे कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग पर्सनली बहुत पसंद है, लाइक जैसे मैंने बोला था बिजनेस ओनर से बात करने का मौका मिलता है, और आई एम श्योर आपको आपके बहुत सवाल होंगे सुनना और सवाल पूछना चाहते होंगे। सो सहयोग सर, इफ यू आर देयर, डू आई हैव टाइम टू टेक 1 or 2 क्वेश्चंस? सहयोग सर, एनीवे सो चलिए मैं क्विकली 1-2 क्वेश्चंस ले लेती हूँ। सोम कुमार सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, सवाल पूछ लें। जी मैम, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग में आपने बताया कि मैम जैसे कि बिजनेसमैन हो गया, एसएमएस हो गया, एमएसएमई हो गया, इनसे हम मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो मैम इनका हमें कैसे पता लगेगा, इनसे हम कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, कहाँ जाना होगा, कहाँ मिल पाएंगे? तो जैसे कि मैंने सर आपको बताया कि पहले तो आपको पहले रेफरेंस अपने आसपास का जो इजियर वे है वो रेफरेंस के थ्रू है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे जो जिनके छोटे मोटे बिजनेसेस होंगे, या कोई फ्रेंड कोई जॉब करता होगा उसकी कंपनी में भी इम्प्लॉयज होंगे, तो आप उनसे बात कर सकते हो, रेफरेंस मांग सकते हो कि हर कंपनी में लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, अगर नहीं होता है तो एचआर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो अभी बिना इम्प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, इनकम्प्लीट ट्रेनिंग के बिना प्लीज किसी को अप्रोच मत करिएगा। पहले हमारा ये जैसे हाँ, तो
ये हम आपको डिटेल में पूरा बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या बात करनी है। वो पूरा सेशन जो हम लेंगे वो इसी चीज पे होगा। अभी मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है, एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग होती क्या है, और ये आपको भी करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब एक डील क्लोज होती है तो बिग टिकट प्राइस है तो मजा बहुत आता है। तो पहले तो रेफरेंस के थ्रू ही हम जनरली ट्राई करते हैं, क्योंकि वो आसान है करना, कि आपने किसी से रेफरेंस किया, आपके बिजनेस ओनर्स हैं उनसे बात करी। और विवेक सर हमेशा कहते हैं ना, बर्निंग प्रॉब्लम को समझो। सहयोग सर भी जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मेरे फायदे से, मेरे फीचर से तुम्हारा क्या फायदा होगा और कितने में होगा। माई यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट एंड क्वान्टिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अगर मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इतनी अच्छी है तो उससे तुम्हारा फायदा क्या होगा और उसका इम्पैक्ट कितने में होगा। तो ये पूरा जो जो पूरा इक्वेशन है ये हम इसको समझते हैं। पूरा जब वेबिनार आएगा तब उसमें आपको पूरा बताएंगे डिटेल में, तो आप वो जरूर अटेंड करिएगा। ये चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, प्लीज उसको ज्वाइन करिएगा। जी एक बात और मैम। हाँ जी सर। हाँ जी, जैसे कि एज हम विलेज लेवल पे चलते हैं, गाँव के स्केल पे चलते हैं, तो गाँव में इतने जैसे बिजनेस SMEs वगैरह नहीं मिल पाते, तो उनसे मतलब कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं भी, अगर वो चाहते हो भी हमारे साथ, भी ऐसे कोई ऑनर आए जो भी हमारे साथ काम करने मिले। सर ये केस टू केस बेसिस पे होता है, तो केस टू केस बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, वन ऑन वन आप में से इंडिविजुअली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि जनरली कुछ ना कुछ तो बर्निंग प्रॉब्लम सर उसकी होती ही होगी, ऐसा तो नहीं है अगर वो बिजनेस कर रहा है तो किसी भी लेवल पे कहीं पे भी, तो प्रॉब्लम तो सर होती ही होगी। सो वो बातचीत करके वो पता चल जाता है, फिर उसी हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशंस होते हैं। जी थैंक यू मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रिया सिंह सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सर आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो रही है, डिस्टरबेंस बहुत है, शायद कुछ पंखा चल रहा है बहुत तेज। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम कोई कॉर्पोरेट वाला, सर थोड़ा तेज बोले सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग में हमारी पास कोई कैसे सुनेगा, किसी हम किसी को बताना चाहे, किस तरह कांटेक्ट करना चाहे, वो कैसे विश्वास करेगा कि हम उनको अच्छी सलाह दे सकते। आपका सवाल अगर ये है कि मैं उनसे कैसे बात करूं, क्या यही सवाल है? जी मैडम, कि वो हमारी बात कैसे माने कि हम अच्छी तरह सलाह उनको देंगे। ओके, तो सर मैं आपको म्यूट कर रही हूं पहले, क्योंकि बहुत शोर आ रहा है आपके तरफ से। जैसे कि मैंने बताया कि कैसे अप्रोच करना है, क्या बात करनी है, किसको अप्रोच करना है, लीड जनरेट कैसे करनी है और उसको मीटिंग तक कैसे लेके आना है, उसका पूरा डिटेल्ड हम वेबिनार करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो आपको इसका चैट बॉक्स में लिंक आ जाएगा। सो बेसिकली बात आप लोगों को कुछ बेचना नहीं है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल वाइट लेबलिंग हो चाहे कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग हो। आपको हम दो तीन हुक स्टेटमेंट बताएंगे उसकी बर्निंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्योंकि मोटा मोटी अगर दो तीन चीजें आपने उसको शुरुआत में पूछी तो उसको समझ आ जाएगा कि ये मेरे फायदे की बात कर रहा है। सो वो हुक स्टेटमेंट आपको बताएंगे और आपका काम सिर्फ उसको मीटिंग तक लेके आना है। जहां उसका तीन सवाल आपने पूछे और उसका तीनों सवाल का जवाब यस में हुआ, हाँ है तो सही यार, बात तो तू सही कर रहा है, हाँ हाँ ये तो है ही है, बस आपका चौथी लाइन आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी हेड ऑफिस दिल्ली से डायरेक्ट मीटिंग करा दे रहा हूँ, आपकी जो भी क्वेरीज है वो हम आपको सॉल्व करवा देंगे। सो सर आप लोगों का काम उसको बस मीटिंग तक लेके आना है, दो तीन सवाल पूछ के बस उसको ऑब्वियसली ये जरूर पता कर लीजिएगा सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप किसी भी बिजनेस ओनर को अप्रोच करें तो उसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसको जानकारी नहीं है तो फर्स्ट मीटिंग में प्लीज उसको कुछ बेचने मत चले जाइएगा या कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में मत बताइएगा। एक दो मीटिंग लगेंगी कॉन्टेक्स्ट सेट करने में, ये उसको समझने में कि डॉक्टर बिंद्रा कौन है और बड़ा बिजनेस क्या करता है। जब तक उसको बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगी, हम क्या करते हैं और डॉक्टर बिंद्रा कौन है, उनकी वैल्यू क्या है, किस तरीके से उन्होंने बिजनेसेस को खड़ा किया है, अगर जब तक उनको ये नहीं पता होगा, वो आप चाहे जितने भी एफर्ट्स लगा ले तो आपके एफर्ट्स फ्रूटफुल तो होंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। मतलब जो डील आसानी से क्लोज हो सकती थी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सामने वाला डॉक्टर बिंद्रा को जानता ही नहीं है।
और ना ही उसकी इतनी वो है कि भाई वो पेन लेके एफर्ट्स लेके गूगल करेगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है। सो फर्स्ट टू मीटिंग्स में आप ये जरूर उनसे बातों बातों में समझिएगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनको समझाने की कोशिश करेगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन है। अगर अच्छा अगर जानते हैं तो वहां पे आपका 50% काम तो पूरा हो गया, क्योंकि उसको पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानता है और उसको उनको कब से फॉलो करता है और डॉक्टर बिंद्रा की वैल्यू क्या है, उनकी पोजिशनिंग क्या है, वो ऑलरेडी जानता होगा, तो आपका काम वहां पे आसान हो गया। सो उसके बाद आपको बस वो उसकी बर्निंग प्रॉब्लम, उसके पेन एरिया को छूना है कि प्रॉब्लम क्या है। सो एक दो मीटिंग लगेगा आपको, फिर उसके बाद आप थर्ड मीटिंग हमसे करा दीजिएगा उससे। तो कुछ बेचना नहीं है, बस सीधे सीधे उसको मीटिंग तक लेके आना है और एक डिटेल्ड सेशन हम आपका लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं। एक मधु मैम का सवाल ले लेते हैं और बाकी के सारे सवाल के लिए हम लोग प्लीज वेबिनार में मिलेंगे। मधु मैम प्लीज अनम्यूट करें अपने आपको। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे एक सवाल पूछना था कि ये जो लिंक आपने भेजा मैडम, तो वो क्या ग्रुप में हमारा आएगा क्या? हमारे ग्रुप में आप ये लिंक पे क्लिक करो, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट लिंक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, ये व्हाइट लेबलिंग टीम का ग्रुप है जिसमें हमारे टीम के बाकी सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं। सो वेबिनार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, सारा आप उस ग्रुप में डाल सकते हैं। तो ये मैडम कॉपी करके कहाँ ले जाना है इसको, अपने उस ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप क्लिक करेंगी मैम? इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप का लिंक है ये। अच्छा, तो ये आपको तो बोलेगा कि ज्वाइन द ग्रुप करके आएगा, तो आपको इसमें हमारी टीम मेंबर ऐड कर लेगी। तो व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वेबिनार कब है, Q&A सेशन कब है, व्हाइट लेबलिंग के डॉक्यूमेंट्स, उसमें जैसे मैंने बताया व्हाइट लेबलिंग की रिकॉर्डिंग, उसमें आपका ब्रोशर प्लस लीड जनरेशन फॉर्मेट, ईमेल का फॉर्मेट, ड्राफ्ट का फॉर्मेट, सब कुछ उसमें मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो थैंक यू सो मच। आई एम श्योर बहुत सारे सवाल हैं व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड। अगर कुछ समझ नहीं आया हो कि व्हाइट लेबलिंग एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर व्हाइट लेबलिंग का क्या, ये कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग का क्या है, तो प्लीज मैं वो सवाल लूंगी। और ये जो आई एम श्योर ये बहुत सारे सवाल हैं कि कौन कब कहाँ कैसे क्या किसको, वो सारा सवाल का हम उसको रख रहे हैं बाद के लिए। लेकिन कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग क्या है ये सबको समझ आ गया है? प्रमोद सर को नहीं समझ में आया तभी वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए प्रमोद सर, ये आपका आखिरी सवाल है, चलिए बताइए। मैम एक्चुअली गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जो इंडस्ट्री स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो मैंने से उसने क्वेश्चन किया कि एक्चुअली उसको ना पैकेजिंग वाले जो कार्टून होते हैं ना, पैकेजिंग वाले कार्टून और जितने भी पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं ना, वो सारे वो मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है। तो उन्होंने मुझे आस्क किया कि हाउ मच लैंड रिक्वायर्ड, व्हाट आर द मशीनरीज, वेयर टू बाय, हाउ मच मैन पावर आर रिक्वायर्ड। तो इतने सारे उसके क्वेश्चन थे, तो इसके ऊपर अपन कौन सा कोर्स उसको ऑफर कर सकते हैं? सर इसके लिए तो कोर्स नहीं, इसके लिए तो वन ऑन वन कंसल्टेशन चलता है जी। तो क्योंकि उसके बिजनेस, वो उनका विजन समझना पड़ेगा, उनका गोल समझना पड़ेगा और वो क्या करना चाहते हैं, उनका खुद का पास कितना इन्वेस्टमेंट तक कर पाएंगे वो, अगर वो फंड रेज करने की सोच रहे हैं तो कितना फंड रेज करना चाहते हैं, वेंडर्स कौन कौन होंगे, उनके सप्लायर्स कौन कौन से, पैकेजिंग में क्या होगा, क्या मैन पावर होगी। तो बहुत सारे सवाल है सर। सो ये सारे सवाल सर, इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक कोर्स नहीं है, लेकिन उनका वन ऑन वन सेशन हम जरूर अरेंज करा सकते हैं। तो आप मेरे से इंडिविजुअली कनेक्ट कर लेना सर, हम डिटेल में एक बार बात कर लेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे सो हम डेफिनेटली उनका एक कंसल्टेशन सेशन अरेंज करा देंगे। मेरा नंबर आपको सर इसी चैट लिंक, आप ज्वाइन करोगे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे मिल जाएगा आपको। कर लिया मैडम ऑलरेडी ज्वाइन। अच्छा कर लिया, वेरी गुड सर, सबसे तेज निकले सर आप तो। थैंक यू, थैंक यू सर। सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग। आई एम श्योर बहुत सारे सवाल हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़ा सा सॉलिड नॉलेज के साथ चलेंगे, ताकि आप प्रिपरेशन करके चलेंगे, ताकि आप जब वहां पे पहुंचे सो आप 100% सक्सेस लेके आए। तो विवेक सर कहते हैं कि प्रिपरेशन इज द की, अगर उनको अगर अपने टीम मेंबर से भी मिलना होता है जूम लिंक के साथ, तो वो थारो प्रिपरेशन करके आते हैं कि कितना बोलना है, कितने टाइम तक बोलना है, किस बात पे इंफोसिस करना है और कब मुझे अपनी बात खत्म करनी है। तो सोचिए वो इतनी माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल पे इंफोसाइज करते हैं। सो हम जब किसी मीटिंग पे जा रहे हैं, किसी बिजनेस ओनर से मिलने जा रहे हैं, सो हमारी नॉलेज सर बहुत पुख्ता होनी। सर दो चीजें याद रखिएगा सर, प्लीज ये लिख लीजिए, ये वेक सर बोलते हैं, पेशेंस एंड परसिवरेंस।
पेशेंस एंड परसिवरेंस, क्योंकि ये बिग टिकेट प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। एक मीटिंग दो मीटिंग में हो सकता है बात ना बने, लेकिन पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है, और अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं क्या प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, जब तक मुझे उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं पता होंगे, फीचर्स नहीं पता होंगे, उसका फायदा किस तरीके से होने वाला है, जब तक ये सारी चीजें नहीं पता होंगी, सर प्लीज आप आगे मैदान में मत उतरिएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि नॉलेज इज द की, प्रिपरेशन इज द की। प्रोडक्ट में कन्विक्शन तभी आएगा जब आपको थरो नॉलेज होगी, राइट? आज विवेक सर के बारे में आपको कोई पूछे कि आप विवेक सर के साथ क्यों जुड़े हैं, आप 5 फायदे बता दोगे आग बंद करके, राइट? एम आई राइट? यस, चैट बॉक्स में बताइए। यस 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 यस, विवेक सर के साथ जुड़े हैं तो विवेक सर के फायदे पता है, विवेक सर की वैल्यू पता है, उनकी स्ट्रेंथ पता है, वो क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन है, विवेक सर प्रोडक्ट है तो उनके ऊपर कन्विक्शन है, उनको आपको पता है कि आप विवेक सर के साथ जुड़े हैं तो हम कुछ बड़ा ही करेंगे। उसी तरीके से आगे जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर जाते हो साथ में, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो व्हाइट लेबलिंग हो, चाहे वो और कोई प्रोडक्ट हो, बीबी जूनियर हो, प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज के साथ करते हैं, और आपको ये काम करने में बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है सर। सो इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड पेशेंटली लिसनिंग टू मी, और मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक डेडिकेटेड वेबिनार जो कि व्हाइट लेबलिंग के लिए होगा, उसमें मेरी टीम के बाकी लोग भी होंगे। मीनवाइल आप इस लिंक को जरूर ज्वाइन करिए, और उससे पहले भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमारी टीम के मेम्बर्स उसमें हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट गुड नाइट अहेड। थैंक यू एवरीवन, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, प्लीज ज्वाइन करिएगा लिंक को तब तक। थैंक यू प्रमोद सर, अच्छा लगा स्माइल के साथ आप बाय बाय कर रहे हैं। चलिए सर जल्दी मिलते हैं, बाय, टेक केयर, बाय बाय।